हेलो गाइस तो वेलकम बैक टू द क्लास और हम लोग पिछले लेक्चर में आई यू पी कर रहे थे राइट right? और आई यू पी में हम लोगों ने ब्रांच चेन अल्केन के पहले छह रूल्स देख लिए थे और ये छह बेसिक रूल की मदद से आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर सेवन की तरफ और ये रूल नंबर सेवन के अंदर क्या होगा रूल नंबर सेवन जो है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज फॉर ब्रांच और वी कैन से दैट इज फॉर ब्रांच अल्काइल ग्रुप अच्छा मतलब यहां पर आपके एक कंपाउंड के अंदर जो अल्काइल ग्रुप होंगे उनकी भी ब्रांचिंग हो गई है अच्छा ओके okay. मतलब यहां पर आपका नॉर्मल अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ना आते हुए अब ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आने लगे अब आप लोगों को याद आई गया होगा कि सर आपने जो कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम लिया है कई वो इस तरीके के अल्काइल ग्रुप तो नहीं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि एक पेरेंट चेन से इस तरीके का एक अल्काइल ग्रुप निकल रहा हो या इस तरीके का एक अल्काइल ग्रुप निकल रहा हो या इस तरीके का एक अल्काइल ग्रुप निकल रहा हो तो जी हां मेरा कहना बिल्कुल यही है और अब हम लोग यहां पर ब्रांच अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो दैट tert नियो एंड iso आर द prefixes आर द प्रिफिक्स आर द prefixes आई वुड से वर यूज इन वर यूज इन ट्राइबियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वर यूज इन ट्राइबियल ट्राइबियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ट्राइबियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम यह सब ट्राइबियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं ट्राइबियल का एक्चुअल मीनिंग होता है नॉट सो इंपॉर्टेंट ट्राइवियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है नॉट सो इंपॉर्टेंट यानी कि कॉमन यानी कि कॉमन लेकिन हम तो आजकल क्या यूज करते हैं हम तो आजकल यूज करते हैं आई यू तो यहां पर अब हम लोग एक बात और लिखेंगे बट आई यू पी एसी नॉम एन क्लेचर बट आई यू पी एसी नॉम एन क्लेचर ऑल्सो अलाउलो अलाउ सिस्टम इन इट्स नॉमेन क्लेचर सिस्टम क्या समझ में आया इस पॉइंट से इस पॉइंट से हमें यह समझ में आया कि टेक्निकली तो आइसो नियो सेक ये सब ट्राइबियल नॉमन क्लेचर सिस्टम का पार्ट था यानी पुराने टाइप के नॉमिनक्लेचर सिस्टम का पार्ट था लेकिन आजकल IUPAC ने भी इसको हरी झंडी दे दी है कि ठीक है अगर आप आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर कर रहे हैं तो मैं आईसो, नियो टर्ट जैसे प्रीफिक्सेस को अनुमति देता हूं यानी परमिशन देता हूं कि ये भी आई का पार्ट बन सकते हैं तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी उस कंडीशन में जब आप जेई और नीट दे रहे हो क्योंकि जेई और नीट वाले जब नॉमिन पूछने जाएंगे तब वो आइसोनियो सेक्टर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो अब हम लोग एक एक करके इनके रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे दैट द कार्बन आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग अब मैं यहां पर आपको ब्रांच अल्काइल ग्रुप के नॉमिन का तरीका बताऊंगा उसके अलावा बाकी तरीके तो हमको आते हैं बाकी छह रूल तो हमें आते हैं हम यहां पर यह सीख रहे हैं कि ये ब्रांच अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखें ब्रांच अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना आ गया तो हम नॉर्मल जो अल्काइल ग्रुप होंगे सॉरी नॉर्मल जो आपकी पेरेंट चेन है उसका नाम तो लिखना हमें आता ही है तो हम लोग क्या करेंगे द कार्बन अटैच्ड कार्बन अटैच द कार्बन अटैच टू देरेंट द कार्बन अटैच टू द पेरेंट पेरेंट चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप याद कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप लिख दूं तो ज्यादा बेहतर लगेगा आप लोगों को वरना थोड़ा सा सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल एर मान लो या स्टेटमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है सो द कार्बन ऑफ अलकाइल ग्रुप द कार्बन ऑफ ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप बहुत बढ़िया सर अब तो सारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा सो द कार्बन ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप द कार्बन ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप अटैच अटैच टू द पेरेंट चेन अटैच टू द टू द पेरेंट चेन शुड बी नंबर्ड एज वन शुड बी नंबर्ड एस यानी क्या बात बात समझ समझ में में आपको आपको में आ गई कि हमारा वो कार्बन अल्काइल ग्रुप का ब्रांच अल्काइल ग्रुप का जो हमारी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसे नंबर वन देना है दैट विल बी गिवन एस नंबर वन ऐसा मत करना कि आप किसी और कार्बन को वन मान के उस कार्बन को नंबर टू दे दो या नंबर थ्री दे दो जो आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड है पेरेंट चेन से कनेक्ट होने वाला कार्बन ही हमेशा नंबर वन कहलाएगा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबरिंग इन पेरेंट चेन नंबरिंग इन पेरेंट चेन शुड बी डन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट नंबर रूल ये बात तो आप सबको बताइए अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट नंबर रूल यानी कि आपका ये जो ब्रांच अल्काइल ग्रुप जिस भी तरफ मौजूद होगा आपको पेरेंट चेन में इस प्रकार नंबरिंग करनी है कि ब्रांच अल्काइल ग्रुप को छोटा नंबर मिले लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना डू रिमेंबर द डू रिमेंबर द एल्फाबेटिकल रूल डू रिमेंबर द एल्फाबेटिकल रूल यानी ऐसा मत कर देना कि ये ब्रांच अल्काइल ग्रुप के अंदर मिथाइल आ रहा हो और आपके दूसरे सब्सटीटूएं भी जुड़े हुए हो जिसमें इथाइल आ रहा हो तो इथाइल को पहले देना ये ब्रांच वाले को बाद में देना यानी सब कुछ अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से चलेगा कोई चेंज नहीं आया है सिर्फ ब्रांच अल्काइल ग्रुप के आ जाने से कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया इस बात को ध्यान रख के काम करना ठीक है चलिए पॉइंट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं तीसरे रूल की तरफ चलते हैं इन केस इन केस ऑफ मोर देन वन केस ऑफ इन केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन इन केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन अवेलेबल इन केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन अवेलेबल चूज द चेन चूज द चेन दैट हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी अब यहां पर एक बात समझना कि आपको एक ऐसा कंपाउंड दिखाई दे जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो पेरेंट चेन चूज करने के फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कंपाउंड है जिसमें दो ऐसी चेन दिख रही है जिसमें दस दस कार्बन है तो दस कार्बन वाली दो चेन मुझे मिल रही है तो वो दोनों चेन में से मैं किसी को भी चूज कर लूंगा क्या नहीं मुझे एक बार ध्यान से देखना होगा कि मेरी सबसे लंबी कार्बन की चेन वो चेन हो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हो ऐसा ना हो जाए कि मैं एक ऐसी चेन चूज कर लूं जिसमें केवल सबसे ज्यादा कार्बन हो लेकिन सब्सिटूएंट का नंबर कम हुआ अभी वो मैं आपको एग्जाम्पल से यहां पर सिखाऊंगा चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अगर बाय चांस इफ वी आर यूजिंग इफ वी आर यूजिंग ट्राइवियल नेम्स इफ वी आर यूजिंग ट्राइवियल प्रीफिक्सेस इफ वी आर यूजिंग ट्राइवियल प्रीफिक्सेस देन सेक एंड टर्ट अगर आप ट्राइवियल प्रिफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो सेख और टर्ट है शुड बी अवॉइडेड शुड बी अवॉयडेड बट आपका जो आइसो है एंड आपका जो नियो है बट आइसो एंड नियो शुड बी इंक्लूडेड शुड बी इंक्लूडेड इन एल्फाबेटिकल रूल्स यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अल्फाबेटिकल रूल में इसका इस्तेमाल करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी तो मान लो अगर आपके पास में आइसोप्रोपाइल है अगर मान लीजिए आपके पास में एक ग्रुप आ रहा है आइसोप्रोपाइल और आपके पास में उसी के कंपाउंड के अंदर एक और ग्रुप है मिथाइल मतलब आपके पास में कंपाउंड है उस कंपाउंड में दो सब्सिटूएंट है एक सब्सिट्यूएंट का नाम आपने निकाला आइसोप्रोपाइल और दूसरे सब्सिट्यूएंट का नाम आपको दिख रहा है मिथाइल अब इन दोनों में कौन है जनरली हम लोग देखते हैं कि भाई पी फॉर प्रोफाइल एंड एम फॉर मिथाइल सो एम इज प्रेफरेबल ओवर प्रोपाइल लेकिन अब यहां पर आप प्रोफाइल सॉरी प्रोपाइल के पी को ना देखते हुए इसके आइसो को देखेंगे आप इसे चेक करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तो अब यहां पर यह प्रेफर हो जाएगा ओवर मिथाइल एंड दिस इज अवॉइडेड क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई आई के नहीं आई समझ पा रहे हैं इस बात को ये और नो कोई दिक्कत लेकिन अगर यहां पर आईसो की जगह पर सेक आ जाए तो आप, आप किसको देखेंगे तो अब आप यहां पर मिथाइल के एम को और प्रोपाइल के पी को देखेंगे अब आप आ, सेक को नहीं देखेंगे यहां पर सेक को नहीं देखा जाएगा तो अल्फाबेटिकल रूल अगर आप बाय चांस यूज कर रहे हैं तो ठीक है नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर आप एक बादल बनाकर लिख लो रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम रेस्ट रूल्स आर सेम मतलब कि कौन कौन से रूल्स सेम होंगे यानी अगर आप लोग किसी अल्काइल ग्रुप का भी नॉमेन क्लेचर कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप के नॉमेन क्लेचर के लिए भी आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करनी है अल्काइल ग्रुप में फिर अल्काइल ग्रुप में नंबरिंग इस प्रकार देनी है कि जहां पर आपको ब्रांचिंग करनी हो या जहां पर आपको सब्सिट्यूएंट दिखे वहाँ छोटा नंबर देना है फिर अगर आपके पास में एक से ज्यादा टाइप के अल्काइल ग्रुप आ जाए तो अल्फाबेटिकली चलना है सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप आ जाए तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस रूल यूज करना है ठीक है अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले मैं एनसीआरटी से एक एग्जाम्पल लेकर आऊंगा मैं टी का ही एग्जाम्पल आप लोगों को करवाऊंगा क्योंकि बच्चा लोग जब तक एनसीआर सॉल्व नहीं करोगे तब तक बड़े क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू ठीक है फिर सी एच फिर सी एच से इधर आ गया सी एच टू फिर आ गया सी फिर इधर आ गया सी एच थ्री फिर इधर आ गया सी एच थ्री फिर इधर आ गया सी एच टू और इधर आ गया CH3 फिर यहां पर एक आ गया CH2 फिर CH2 के पास में आ गया CH CH के पास में फिर इधर आ गया CH2 और यहां आ गया CH3 फिर यहां आ गया CH2 और यहां आ गया CH3 अब आपको बोला गया दैट यू हैव टू नोमेनक्लेचर दिस कंपाउंड चलिए अब आप लोग इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करो अब जब आप इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने जाओगे तो आप सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करोगे भाई पहले इस कंपाउंड को देखते मैं रूल नंबर वन लगाऊंगा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके एक कार्बन की चेन ये हो गई दस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बात एक ही है इस कार्बन के बाद में या तो ये दो कार्बन ले लो या इस कार्बन के बाद में ये दो कार्बन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन एक बात और आ रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये भी एक दस कार्बन की चेन हो रही है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नहीं ये तो नौ कार्बन की चेन आ रही है मतलब अगर मैं यहां से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ कर दू तो फिर बात बिगड़ जाएगी तो अब मेरे पास में यहां पर तीन ऑप्शंस अवेलेबल है या तो मैं ये वाली चेन चूज करूं या तो मैं ये वाली चेन चूज करूं या तो मैं ये, ये और ये चेन चूज करूं अब आप यहां पर एक सेकेंड के लिए जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अगर मैं ये वाली चेन चूज कर लू तो मेरे को यहां पर कौन कौन से सब्सिट्यूएंट नजर आएंगे फिर मेरे लिए एक सब्सिट्यूएंट यह हो जाएगा इथाइल और एक सब्सिट्यूएंट मेरे लिए ये हो जाएगा तो अगर मैं ये वाली लंबी चेन चूज करता हूं या अगर मैं ये वाली लंबी चेन भी चूज कर लूं है ना एक सेकेंड के लिए सोचना कि अगर आप ये चलते हुए इधर आ जाए और ऊपर आ जाए तो फिर ये सब्सिट्यूएंट बन जाएगा मतलब इस केस में भी ये और ये दो सब्सिट्यूएंट मेरे पास में अवेलेबल है सबने ऑब्जर्व कर लिया ठीक है सर इधर आपको दो सब्सिट्यूएंट मिल रहे हैं हम आपकी बात समझ गए अब आप क्या कहना चाहते हो अब आप क्या बताना चाह रहे हो आओ हम एक केस और देखें अब अगर मैं अब अगर मैं ये वाली ये वाली चेन चूज कर लू अगर मैं ये दस कार्बन वाली चेन चूज कर लूं तो मेरे पास में सब्सिट्यूएंट कितने बन रहे हैं सर एक तो यह बहुत ही जरा बड़ा विशाल काई एक सब्सिट्यूएंट बन गया एक सब्सिट्यूएंट यह मिथाइल हो गया और एक सब्सिट्यूएंट ये मिथाइल हो गया अब आप खुद ही समझ गए होंगे एक दो और तीन मिथाइल ग्रुप मतलब यहां वाली चेन में तीन सब्सिट्यूएंट है तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर थ्री केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन द चेन दैट देन चूज द चेन दैट तो यहां पर हमारे लिए सबसे लंबी कार्बन की चेन ये हो गई अब यहां पर नंबरिंग कहां से शुरू करोगे सर आप नंबरिंग या तो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छठे नंबर वाले कार्बन पर ये सब्सिट्यूएंट सेवन और एट नंबर वाले कार्बन पर दो तो सब्सिट्यूएंटी टू हो जाएगा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो अक्कल से काम करें अगर हम तो हमको खुद ही क्लियरली दिख रहा है कि अब तीसरे नंबर वाले कार्बन पर दो मिथाइल और पांचवें नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टन इलेवन बहुत छोटा नंबर आ रहा है तो हम इसे ही चूज करेंगे हमारे पेरेंट चेन की नंबरिंग करने के लिए अब यहां पर बात आती है इसको लिखने की अब यहां पर आप इन दोनों का नाम तो लिख देंगे कि सर ये दोनों तो आपके मिथाई लोग हैं अब आप इसका नॉम कैसे करोगे अब आप इसका नॉम कैसे करोगे देखो अब यहां पर मैं अगर आइसोनियो सेक्टर्ट की बात ना करूं और अगर मैं नॉर्मल नॉम की बात करूं तो इस पर्टिक्यूलर तो इस पर्टिक्यूलर अल्काइल ग्रुप के नॉमेन के लिए भी मैं सेम रूल्स का इस्तेमाल करूंगा मैं यहां पर सेम रूल का इस्तेमाल करूंगा सर सेम रूल क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो और जो कार्बन आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड है अब क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप हो गया है तो ये कार्बन आपके पेरेंट कार्बन से कनेक्टेड है ये जो पांचवे नंबर वाला कार्बन है ये आपकी पेरेंट चेन का पार्ट है तो पेरेंट चेन के पांचवे नंबर वाले कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है तो ये हो गया वन ये हो गया टू या तो इसको थ्री और इसको फोर बोल लो या इसको थ्री और इसको फोर बोल लो तो मैं इसको थ्री और इसको फोर बोल लेता हूं ठीक है कोई दिक्कत अब आपके अल्काइल ग्रुप की बड़े गौर से मेरी बात सुनना दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं अब ये आपके अल्काइल ग्रुप की सबसे लंबी चेन हो गई ये आपके अल्काइल ग्रुप की सबसे लंबी चेन हो गई और यह आपके अल्काइल ग्रुप का सब्सटीटूएंट हो गया यानी सब्सटीटूएंट का सब्सटीटूएंट जो कि कहां पर दिख रहा है हमें दूसरे नंबर वाले कार्बन पर चिपका हुआ नजर आ रहा है तो अब गाइज इसका नाम कैसे लिखेंगे अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे अब यहां पर देखो आपके पास में एक दो तीन और चार कार्बन यानी ब्यूटाइल और यह दोनों का नाम है मिथाइल तो यहां पर आपकी जो पेरेंट चेन है यहां पर आपकी जो पेरेंट चेन है पेरेंट चेन का नाम क्या है पेरेंट चेन चार कार्बन की पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा ब्यूट और ये दोनों है आपके एक एक कार्बन वाले याने मित. तो मित का एम और ब्यूट का बी अल्फाबेटिक पहले आएगा तो हम नाम कैसे लिखेंगे देखिए हम बोलेंगे पांचवें नंबर वाले कार्बन पर हम ब्रैकेट लगाएंगे यानी जब कभी भी आप जब कभी भी आप नाम लिखेंगे दैट वाइल नेमिंग वाइल नेमिंग द ब्रांच चेन वाइल नेमिंग द ब्रांच चेन एलकाइल ग्रुप ब्रांच चेन एलकाइल ग्रुप यूस ब्रैकेट यूस ब्रैकेट हमेशा ब्रैकेट इस्तेमाल करना अब आपने फाइव लिख दिया अब फाइव के बाद क्या लिखोगे अब सर हमने यह सीखा था कि रूट नेम रूट नेम इसका ब्यूट हो गया यानी आप समझ रहे हो यहां पर मैं अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं पूरे कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं इस अल्काइल ग्रुप का रूट नेम क्या है सर चार कार्बन वाला ब्यूट और रूट नेम के पहले क्या लिखते हैं प्रिफिक्स तो इस रूट चेन के ऊपर सब्स्टिटूएंट के तौर पर कौन लगाए सर ये दो कार्बन वाला इथाइल और कौन से कार्बन पर लगाए सर दूसरे कार्बन पर है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे टू इथाइल फिर कॉमा लगाएंगे अब ये टू इथाइल यानी दूसरे कार्बन पर इथाइल ग्रुप किसके लगा है ये चार कार्बन वाले ब्यूट के अब सर ये ब्यूट क्या है ये ब्यूट जो है ये है क्या क्या ये अलकेन है क्या ये अलकीन है क्या ये, ये अलकाइन है नहीं ये तो सबसे है और सब्सिटूएंट मतलब ये तो एक प्रकार का अल्काइल ग्रुप है और मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि अल्काइल ग्रुप के लिए आप जो सफिक्स यूज करेंगे वो होगा वाई एल तो यहां पर आपको ब्यूट के बाद लगाना पड़ेगा वाइएल तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल नाउ ब्रैकेट विल बी क्लोज तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज इथाइल ब्यूटाइल टू इथाइल ब्यूटाइल समझ में आ रही बात इतनी आपको फिर आप एज यूजुअल डैश लगाएंगे फिर आप डैश लगाएंगे और पहले अपन इसके नाम को थोड़ा नीचे लिख लेते क्योंकि यहां पर जगह ही नहीं बच रही है हाँ, यहां लिख लेते अब हम लगाएंगे डैश तीसरा नंबर वाले कार्बन पर अब ये पूरे का नाम हो गया मतलब इसका नाम क्या है टू इथाइल ब्यूटाइल तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक नहीं बल्कि दो मिथाइल इस्तेमाल हो रहे थे तो हम यहां पर लिखेंगे डाय मिथाइल और जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था आई यू के अंदर डाय टेट्रा पेंटा हेक्सा इनको अल्फाबेटिकल रूल में इस्तेमाल नहीं करते केवल आज सिखाया है कि ट्राइवियल नाम आइसो और नियो आ सकता है अल्फाबेटिकल रूल में बाकी सेक टर्ट भी नहीं आता है। तो इसको तो हम अवॉइड करेंगे मिथाइल लिखेंगे और दस कार्बन की चेन इसलिए हम इसको लिखेंगे डेक और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टू इथाइल ब्यूटाइल थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल यह बात आपको समझ में आ रही है क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है यस और नो इज दिस क्लियर टू यू गाइस इज दिस क्लियर टू यू ध्यान से इसको जरा देख लीजिए कोई प्रॉब्लम देख लो अच्छे तरीके से आगे बढ़े चलिए अब एक कंपाउंड और देखते हैं जिसमें कि सेक आइसो इसकी प्रोबेबिलिटी भी दिखाई देती है तो अब ये कंपाउंड मैं आपके सामने बना रहा हूं अगेन एनसीआरटी का एग्जाम्पल उठाऊंगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच सी एच थ्री होल्ड देन सी एच सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री इस कंपाउंड का आपको नॉमे क्लेचर करना है अब यहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी दिख रही है एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है एक, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है मुझे मिल गई मुझे मिल गई मेरी सबसे लंबी कार्बन की चेन दस कार्बन वाली चेन यही होगी और जब मैं नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग करना भी सबको क्लियरली दिख रहा है यहां से शुरू करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस सेवन ये छठा और ये सातवा तेरह हो जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव नाइन तो मैं नंबरिंग यहीं से शुरू करूंगा मैं इसे दूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन ऊपर वाले को थोड़ा ठीक से लिख दू CH के ब्रैकेट में सी एच थ्री टू लिखा हुआ है मजा नहीं आया इसको देख के तो सी एच थ्री टू का मतलब क्या है कि इस कार्बन से एक सी एच इधर जुड़ा हुआ होगा एक सीएच थ्री इधर जुड़ा हुआ होगा अब आप इनका नॉमिन क्लेचर करना शुरू करो पहली बात मैं आपको आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर करके बताता हूं जो में लिखा है में नहीं दिया है

पेरेंट चेन ये हो गई और ये सब्सिट्यूएंट हो गया तो मेरे पास में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये प्रोपाइल की चेन हो गई और यहां पर अगर मैं इसको नंबर वन दे दूं तो इसको भी टू दे सकता हूं इसको भी टू दे सकता हूं यहां पर मैं इसको टू दे देता हूं तो यहां पर ये मिथाइल सब्सटी हो गया अब इसका नाम हो जाएगा वन मिथाइल इथाइल और इसका नाम हो जाएगा वन मिथाइल प्रोपाइल अब देखो दोनों में मिथाइल मिथाइल है ये प्रोपाइल है यह इथाइल है तो एल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा इथाइल तो नंबरिंग भी यहीं से तो हम इसको लिखेंगे चौथे नंबर वाले कार्बन पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा फिर ब्रैकेट के बाद वन, वन में लिखूंगा इथाइल फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा फिर मैं डैश लगाऊंगा फिर मैं लगाऊंगा फाइव फिर डैश लगाऊंगा फिर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा वन फिर वन के बाद डैश करके मैं लिखूंगा प्रोफाइल ये इसके लिए क्योंकि तीन कार्बन है और पहले कार्बन पर मिथाइल है यहां पर भी पहले कार्बन पर मिथाइल है तो वन मिथाइल प्रोपाइल सॉरी वन प्रोपाइल नहीं वन मिथाइल प्रोपाइल लिखना चाहिए मुझे वन मिथाइल ब्रैकेट के अंदर मिथाइल फिर प्रोपाइल फिर मैं यहां पर लगाऊंगा कॉमा और दस कार्बन की चेन इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा डेकेन तो इसका आयु नाम तो यह होगा और यहां पर इथाइल पहले लिखाया गया है प्रोपाइल बाद में लिखाया गया है एक्चुअली यहां पर दोनों में मिथाइल मिथाइल है इसलिए मैंने इथाइल और प्रोपाइल को प्रिफर किया है अदरवाइज यहां पर अगर इथाइल होता और यहां पर मिथाइल होता तो मैं इथाइल को पहले लिखता समझ रहे क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया है ना कि भाई प्रिफिक्स जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो उसको प्रीफर करना है अब क्योंकि यहां पर प्रोपाइल के ऊपर इथाइल लगा हुआ है अगर यहां पर प्रोपाइल के ऊपर इथाइल लगा हुआ होता तो मैं इथाइल और इसके मिथाइल को कंपेयर करता लेकिन अब दोनों में क्योंकि मिथाइल और मिथाइल लगा तो ये दोनों तो सेम हो गए तो मुझे मजबूरी में इसके इथाइल और इसके प्रोपाइल को चेक करना पड़ा लेकिन अब मैं आपको दूसरा नाम लिख के बताता हूं जो कि है ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आईयूपीएसी ने जिसके हमें हरी झंडी दे रखी है यहां पर आप खुद देखें ध्यान से हमारा वो कार्बन जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसके पास एक हाइड्रोजन है इधर एक अल्काइल ग्रुप इधर एक अल्काइल ग्रुप हो गया ये सेक ये कार्बन हो गया सेक और इसके बाद में एक दो तीन चार कार्बन है तो सेक ब्यूटाइल क्योंकि चार कार्बन है तो इसलिए उसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल यहां पर देखिए आपका ये कार्बन जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है इसके पास इधर भी एक अल्काइल ग्रुप इधर भी एक अल्काइल ग्रुप तो टेक्निकली ये कार्बन भी सेक है लेकिन सेक के साथ साथ एक चीज आप और भूल रहे हो एक स्पेशल कंडीशन जिसमें कार्बन के पास में एक और दो अल्काइल ग्रुप हो और दोनों सेम हो तो हम इसे आइसो भी रेफर करते हैं तो यहां पर हम आइसो को प्रेफर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोफाइल आइसो प्रोफाइल अब आप खुद जानते हैं कि हमें आइसो के आई को अल्फाबेटिकल रूल में देखना है और यहां पर सेक के बी को देखना है यहां पर सेक को अवॉइड करना अल्फाबेटिकल रूल में सेक नहीं आता टर्ट नहीं आता केवल नियो और आइसो आता है तो हम यहां पर प्रोफाइल वर्सेस ब्यूटाइल नहीं करेंगे हम यहां पर आइसो वर्सेस ब्यूटाइल करेंगे तो आइसो का आई और ब्यूटाइल का बी बी पहले आता है तो यहां पर हम लोग नाम लिखेंगे फाइव फिर ब्रैकेट में आ जाएगा सेक ब्यूटाइल फिर ब्रैकेट क्लोज फिर हम यहां पर लिखेंगे फोर डैश फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे आइसो प्रोपाइल फिर हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहां पर लिखेंगे दस कार्बन की वजह से डेकेन तो फाइव सेट ब्यूटाइल फोर आइसो प्रोपाइल डेकेन क्या यह बात समझ आई मेरे प्यारे बच्चों को क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे गुलजारी ला लो पक्की बात कोई परेशानी पर क्या होता है कि हम लोग ये ये वाला नॉमेन क्यों नहीं फॉलो करते क्योंकि कभी कभी इस तरीके के कंपाउंड में देखो अब यहां पर क्योंकि ये कार्बन जो इससे कनेक्टेड है तो ये कार्बन ना तो सेक होगा ना तो टर्ट होगा क्योंकि सेक और टर्ट में तो मैंने आपको एक ही कंडीशन सिखाई है सेक और टर्ट आप उसी कंडीशन में ढूंढ सकते हो जिस कंडीशन में आपका कार्बन आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड हो तो यहां पर हमारी पेरेंट चेन से यह कार्बन कनेक्टेड है और यह कार्बन ना तो सेकेंडरी है ना तो टर्शरी तो टर्क और टर्ट खत्म हो गया अब यहां पर आइसो और नियो की बात करूं तो आइसो और नियो एक ही कंडीशन हो सकती है आइसो में आपका कार्बन सेकेंड लास्ट होना चाहिए आपका कार्बन सेकेंड लास्ट हो और उसके पास में दो एक जैसे मिथाइल हो अब क्योंकि ये कार्बन मेरा फर्स्ट है तो ये कार्बन मेरा लास्ट है तो ये कार्बन मेरा सेकेंड लास्ट हो गया और और इसके इसके पास में इसके पास में में दो मिथाइल मिथाइल ग्रुप ग्रुप नहीं है है ना नियो की तरह तीन है। तो यहां पर इसमें सेकेंडरी ढूंढना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और उसके बाद उसको नॉमे में लिखना भी मुश्किल है इसलिए हम लोग यूजुअली सेक और टर्ट को बहुत रेयर कंडीशन में देखते जहां पर वो बैठते हो और यहीं पर जेई और नीट वाले आपको चक्रा दे देते हैं जेई और नीट वाले आपको जो चक्कर ला देते हैं वो यही ला देते हैं वो यही लाकर आपको फंसाते हैं कि आप सेक, आइसो, और टर्ट पहचान पाते हो आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर आकर थोड़ा सा चक्कर खा जाते हैं और यहीं पर आकर प्रॉब्लम हो जाती है देखो यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है हमारे पेरेंट चेन से जुड़े हुए कार्बन को हमने देख के काम कर दिया लेकिन हर जगह ये अप्लाई हो ये मुश्किल है चलिए एक एग्जाम्पल हम और करके देखते हैं यहां पर देखिए मेरे पास में कंपाउंड है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अब पर मेरे पास में ये कंपाउंड है अब देखो यहां वाले कंपाउंड में कुछ भी नहीं करना है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कार्बन की चेन है यहां से देखते हैं जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है वो ये नौ कार्बन की चेन हमें दिख रही है आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो आपका ये जो सब्सिट्यूएंट है ये आपको पांचवे नंबर वाले कार्बन पर ही दिखाई पड़ेगा अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखे अब देखो यहां पर मेरे को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये हो गया मेरा पहला कार्बन तो ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन अब अगर ये दूसरा है तो या तो ये तीसरा ले लो या ये तीसरा ले लो या ये तीसरा ले लो अब इसको इसको या इसको किसी को भी तीसरा मानो ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट कार्बन ये हो गया ना आपका सेकेंड लास्ट कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन पर आपके पास में एक जैसे थ्री मिथाइल ग्रुप से तो ये कंडीशन तो आपकी नियो वाली हो गई तो ऐसे मुझे पहचानना पड़ेगा नियो और आइसो में बस यही की पॉइंट है कि नियो और आइसो में यह जरूरी नहीं है कि आपका कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो नियो और आइसो में यह जरूरी है कि वो सेकेंड लास्ट हो और यहां पर यह चीज बैठ रही है तो एक दो तीन चार पांच तो मैं इसको या तो नियो पेंटाइल कह दू तो एक तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फाइव फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे नियो नियो के बाद हम लोग लिखेंगे पेंटाइल नियो पेंटाइल के बाद हमारे पास में नौ कार्बन की चेन है इसलिए नोनेन फाइव नियोपेंटाइल नोनेन और अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं और अगर आप नॉर्मली आईयूपीएसी यूपीएसले करना चाहते हैं तो भी आपको कोई बात नहीं हमने जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन उसको वन दे दिया इसको इसको दे दे दिया इसको थ्री दे दिया तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर इस अल्काइल ग्रुप के अंदर इस अल्काइल ग्रुप के अंदर हमें तीन कार्बन की सबसे लंबी चेन मिली है और उनके दूसरे नंबर वाले कार्बन पर दो मिथाइल है तो हम लिखेंगे फाइव डैश ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे टू कॉमा टू टू कॉमा टू डायथाइल तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपाइल डायमे प्रोपाइल और क्योंकि नौ कार्बन की चेन है इसलिए नोनेन तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फाइव डैश टू कॉमा टू डाई तो अब आपको आपके अकॉर्डिंगली जैसा भी इनको नॉमिन करना है आपको करना पड़ेगा आप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के ठीक है चलिए इतना देख लीजिए इतना नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके क्लियर हो गया इतना चलिए अब इतना सीखने के बाद आइए हम लोग अल्केन्स का नॉमिनक्लेचर सीखे नॉमिन क्लेचर नौमें क्लेचर ऑफ साइक्लो केन्स नॉमिन क्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केस नॉमिन क्लेचर ऑफ साइक्लोअलके ठीक है यहां पर रूल नंबर वन आप लोगों को एक प्रिफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा साइक्लो यू हैव टू यूज प्रिफिक्स साइक्लो बिफोर द रूट नेम आपका जो रूट नेम होगा रूट नेम के पहले आपको प्रीफिक्स साइक्लो का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड आ गया ये 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 और ये आपके पास में ये कंपाउंड आ गया तो यहां पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो नहीं दिख रहा है कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है नहीं मतलब ये अलकेन है हाँ तो कितने कार्बन दिख रहे हैं पांच तो पांच कार्बन के लिए रूट नेम होता है पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये होता है अल्केन तो इसको बोलेंगे पेंटेन लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इसके नाम क्या मुझे लगाना पड़ेगा साइक्लो दिस विल बी कॉल्ड कॉल्डोपेटेन मान लीजिए आपके पास में ये कंपाउंड है ये तो अब यहां पर आपको एक दो तीन और चार कार्बन दिख रहे हैं तो चार कार्बन के लिए रूट नेम हो जाता है ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड इज एन ब्यूटेन तो यू विल कॉल इट साइक्लोब्यूटेन प्रीफिक्स लग जाएगा साइक्लोब्यूटेन दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन ठीक है अच्छा उसके बाद सेकेंड रूल इज अगेन योर लोएस्ट नंबर रूल लोवेस्ट नंबर रूल सर लोवेस्ट नंबर रूल मतलब क्या जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और उसके यहां पर एक सी एच थ्री जुड़ा हुआ है अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं वैसे तो बता चुका हूं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जो आपकी टर्मिनल होती हैं उस पर कुछ मेंशन किया हुआ नहीं होता है तो अगर आपको ऐसा कंपाउंड लिख के छोड़ दिया जाए तो ये मत समझना स्प्रिंट है वो एक्चुअली यहां पर आपको सिखाया गया है मेरे थ्रू की ये जो पोजिशन टर्मिनल वाली होती है यहां पर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है तो लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से अब मैं इस रिंग की नंबरिंग ऐसे करूंगा कि ये कार्बन ही मेरा फर्स्ट कार्बन होगा जैसे यहां पर आप इसे भी वन बोल सकते हो आप इसे भी वन बोल सकते हो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यहां फर्क पड़ेगा तो यहां पर इसका नाम क्या होगा यहां पर इसका नाम होगा वन डैश मिथाइल कॉमा साइक्लो सिक्स कार्बन है इसलिए हेग्स और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए है वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या ये चीज क्लियर हो रही है कोई परेशानी कोई दिक्कत तीसरा रूल इज द एल्फाबेटिकल रूल अब यहां पर भी आप लोगों को एल्फाबेटिकल रूल लिखना है अब एल्फाबेटिकल रूल के अंदर क्या होगा नंबरिंग शुड बी डन नंबरिंग शुड बी डन नंबरिंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू गिव इन ऑर्डर टू गिव द लोवेस्ट नंबर टू एल्फाबेटिकली टू एल्फाबेटिकली प्रेफरेबल टू एल्फाबेटिकली प्रेफरेबल सब्स्टिटूएंट अच्छा एक बात मैं आपको फिर बता दू यह वाला रूल हमारे नॉर्मल एलिफेटिक यानी लंबी चेन वाले से थोड़ा सा अलग है लंबी चेन वाले में हम अल्फाबेटिकल रूल केवल नाम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग करने के लिए नहीं हां अगर इक्वी पर है एक लंबी कार्बन की चेन पर अगर एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल है यहां से नंबरिंग करने पर और वहां से नंबरिंग करने पर दोनों के पोजीशन का सम अगर सेम आ रहा हो जैसे यहां पर अल्काइल थ्री पर है और मिथाइल फाइव पर है तो फाइव प्लस थ्री एट और अगर यहां पर मिथाइल थ्री पर है और इथाइल फाइव पर है तो यहां पर फाइव प्लस थ्री एट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है लेफ्ट से देखो राइट right से देखो दोनों का सम सेम आ रहा है तो फिर आप प्रिफरेंस अल्फाबेटिकल वाले को दोगे और नंबरिंग वहां से शुरू करोगे जहां से अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल ग्रुप है लेकिन अगर इक्वी डिस्टेंस पर नहीं है अगर आपका मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन पे नहीं आ रहा है જો ભીર આપકો અલ્ફાબેટિકલી રૂલ કો ફોલો નહીં કરના હે આપકો પહેલે લોવેસ્ટ સમ રૂલ દેખના હે લોવેસ્ટ સમ જહા સે આ رہا હે પહેલે આપ વહા સે નંબરિંગ કર દોગે ઓર બસ લખતે વખત આપ જો અલ્ફાબેટિકલી પહેલે اتا હે ઉસકો લખ દોગે ભલે હી ઉસકો બડા નંબર મિલ રહા હો લેકિન સાયકલિક કમ્પાઉન્ડ મે એસા નહીં હે સાયકલિક કમ્પાઉન્ડ મે તો આપકો નંબરિંગ ભી વહી સે કરની હે ઓર નેમિંગ ભી વહી સે કરની હે જહા સે અલ્ફાબેટિકલી પ્રેફરેબલ ચીઝ આ રહી હો જસે મે આપકો એક એક્ઝામ્પલ બતાઉં ये देखिए जैसे यहां पर आपको एक कंपाउंड दे रखा है ये और ये अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इस कंपाउंड और ये वाले कार्बन पर आप क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है मतलब ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है समझ गए ना सब लोग दिस इज ग्रुप मतलब जब मैं इसको एक्सपांड करके लिखूंगा तो मुझे ये सी एच टू और ये सी एच थ्री दिखाई देगा और यहां मुझे सीएचई दिखाई देगा अब नंबरिंग कहां से चालू करूं ऑब्वियसली इथाइल से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब नंबरिंग के बाद नाम क्या लिखेंगे वन इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लो हेक्सेन वनीथाइल थ्री मिथाइल साइक्लो समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे क्या मेरी बात को समझे अंडरस्टूड चलिए एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं ताकि हमको मजा आए कि यस मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं चलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा अब आप बोलोगे सर यहां पर मुझे अच्छा मैंने यहां पर साइक्लो लगाया कि नहीं रही साइक्लो एक्सन हाँ साइक्लो लगाना मत भूलना अब ये मिथाइल हो गया और ये वन ये टू और ये थ्री ये हो गया आपका प्रोपाइल तो मिथाइल का एम और प्रोपाइल का पी अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा तो अब यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी ये समझ गए क्या बात समझ में आ गई तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे वन मिथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले भी आ रहा है और अल्फाबेटिकली छोटा नंबर भी मिल गया फिर आ रहा है थ्री प्रोफाइल और फिर आ जाएगा आपका साइक्लो और हेक्सेन। समझ गए बात को पक्की बात चलिए अब एक कंपाउंड यहां देखिए अब इस कंपाउंड का नॉमेन क्या होगा अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो ये इथाइल है ई और ये मिथाइल है एम तो इथाइल को प्रिफर करते हैं इसको वन बोलते हैं इसको टू और इसको थ्री नहीं नहीं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना है दैट वी हैव टू अवॉइड वी हैव टू अवॉइड एल्फाबेटिकल रूल वी हैव टू अवॉइड द एल्फा बेटिकल रूल वेन मोर देन वन सब्स्टिटूएंट मैन मोर देन वन सब्सटीटूएंट इज अटैच टू अ कार्बन यानि अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा देअर फोर That carbon will get, therefore, that carbon will get the lowest number, will get the lowest number to which more alkyl or we can say more substituents are attached. यानी यहां पर अब अल्फाबेटिकल रूल गया तेल लेने भाड़ में गया वो अब हमें वो कार्बन को देखना पड़ेगा जिसके ऊपर ज्यादा सब्सिटूएंट है तो यार ये वाले कार्बन पर दो सब्सटीटूएंट है तो अब ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा लेकिन सर लिखेंगे किसको लिखने के लिए तो अल्फाबेटिकली यूज करना है, है ना बट फॉर राइटिंग द नेम बट फॉर राइटिंग बट फॉर राइटिंग द नेम एल्फाबेटिकल रूल इज यूज एल्फाबेटिकल रूल इज यूज क्लियर होती है ये बात प्यारे बच्चों तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा थ्री डैश इथाइल डैश वन कॉमा वन वन कॉमा वन डैश डाय मिथाइल इक्लो हेगजेन थ्री इथाइल वन कॉमा वन डाइम इथाइल साइक्लो हेगेन थ्री इथाइल वन कॉमा वन डायथाइल साइक्लो हेगजेन समझ में आ गया अंडरस्टूड और नॉट पक्की बात चलिए ग्रेट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के नॉमन क्लेचर्स ठीक है चलिए मेरे प्यारे किडीज तो हम लोगों ने लिया था ब्रेक और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट दे रहे हैं ताकि आपको भी ज्यादा लोड नहीं रहे और हम लोग भी रोज शूट करते हैं रोज शूटिंग करते हैं अपलोडिंग एक साथ करते हैं तो अब पिछले लेक्चर में आई I मीन mean पिछले पार्ट में जो इसके पहले आपने को देखा उसके अंदर हम लोगों ने साइक्लिक तक का अलकेचर देख लिया था यानी वी नो हाउ टू नॉमिन क्लेट लेकिन अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले यानी अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले नॉमन क्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, नॉमेन लेचर ऑफ कंपाउंड नॉमेन क्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप्स ठीक है अब हम यहां पर इसकी बात करना आज के लेक्चर से शुरू करेंगे तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए ग्रेट यहां पर सबसे पहले मैं आपको एनसीआरटी से थोड़ा अलग चल के के अलकी को करवा देता हूं थोड़ा सा अलग चलेंगे एनसीआरटी के अंदर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप की बात कर रखी बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ाऊंगा कि यहां पर अल्किस को नॉमिनक्लेट कैसे करेंगे देखिए अलकींस के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो हमारा रूट नेम होता है हाँ सर रूट नेम हमें बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है आगे प्रीफिक्स लग जाता है प्रीफिक्स आपको बताता है कोई फंक्शनल ग्रुप जो अभी आप सीखने वाले हो अभी आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन दूसरे प्रीफिक्स जो सब्सिट्यूएंट होते हैं जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या ब्रांच वो सब आप लोग समझ चुके हो रूट नेम के बाद लगता है प्राइमरी सफिक्स रूट नेम के बाद प्राइमरी सफिक्स लगता है और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स लगता है जैसा आप सभी लोग जानते हैं प्राइमरी सफिक्स एन और को शो करता है प्राइमरी सफिक्स क्या शो करता है कि अगर आपका कंपाउंड है तो आप ए एन ई लगा दो अगर अल्कीन है अगर अल्कीन है तो ई एन ई लगा दो और अगर अल्काइन है और अगर अलकाइन है ट्रिपल वाले कंपाउंड है तो वाई एन ई लगा दो ये तो आप सभी लोग जानते हैं और सेकेंडरी सफिक्स क्या शो करता है सेकेंडरी सफिक्स शो करता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है यानी कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है तो जब हम लोग की बात करेंगे तो गाइज के अंदर ऑल द रूल्स विल रिमेन सेम ऑल द रूल्स ऑल द रूल्स विल रिमेन विल रिमेन द सेम ऑल द रूल विल रिमेन द सेम जैसे आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे लेकिन इस बार आप लॉन्गेस्ट चेन वो वाली चूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो चेन चूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा आप वो चेन चूज नहीं करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा बाकी आप नंबरिंग कहां से करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से आप वहां से नंबरिंग देना शुरू करेंगे जहां पर आपके डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले फिर उसके बाद आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे इक्विड डिस्टेंस वाला फॉलो करेंगे है ना तो ये सारे रूल्स आपके बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेंगे ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पर कंटिन्यू करूं चलिए ग्रेट अब यहां पर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लिखने का तरीका भी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3, CH2, CH टू सी एच डबल बॉन्ड सी अब आपके पास में ये कंपाउंड है अब आप इस कंपाउंड का नॉमिन कैसे करेंगे देखिए अब इस कंपाउंड का नोमेंट्लेचर करेंगे यहां से नंबरिंग करके आप बोलेंगे ये मेरा नंबर वन कार्बन है ये टू ये थ्री और ये फोर सर यहां से नंबरिंग क्यों करी यहां से क्यों नहीं करी देखो यहां पर हमें देखना है कि हमारा डबल बॉन्ड कौन से दो कार्बन के बीच में है हमारा डबल बॉन्ड ये और ये कार्बन के बीच में है तो मैं इन दोनों कार्बन को सबसे छोटा नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मैंने इसको नंबर दिया वन इसको दिया टू अब जब मैं लिखूंगा तो लिखते वक्त भी लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से मैं सबसे छोटा नंबर लिखूंगा तो मुझे बताओ वन और टू पहले और दूसरे कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन दोनों में से भी छोटा नंबर कौन सा है वन और टू में भी छोटा कौन है वन छोटा है तो हम वन लिखेंगे अब लिखेंगे कैसे सबसे पहले आप देखो क्या यहां पर कोई सब्सिट्यूएंट है नहीं कोई कोईट्यूएंट ना होने की कंडीशन में प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है अब यहां पर आप बताइए चार कार्बन की चेन है तो आप चार कार्बन का रूट नेम लिखेंगे ब्यूट लेकिन प्रॉब्लम यह है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कल से उठ के आपके पास में ये वाला कंपाउंड भी तो आ सकता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री अब यह वाली कंडीशन में अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहां पर मैं इक्वी डिस्टेंस वाला रूल फॉलो कर सकता हूं भाई अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं तो इसको टू और इसको थ्री मिलेगा अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं तो ये वन हो जाएगा तो इसको टू और इसको थ्री मिलेगा यानी दोनों ही कंडीशन में लेफ्ट से शुरू करो या राइट right से शुरू करो ये दोनों कार्बन को या तो इसको टू मिलेगा इसको थ्री मिलेगा या इसका अपोजिट हो जाएगा यहां से शुरू करेंगे तो ये टू और ये थ्री हो जाएगा तो आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लो यहां वाले केस में एज ऑफ नाउ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन हे ये भी चार कार्बन की चेन कोई सब्सिट्यूएट नहीं है तो प्रीफिक्स इसके अंदर भी मिसिंग है तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर मैं ब्यूट लगाने के बाद में वन लगाऊंगा वन क्यू लगाऊंगा वन इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं शो करूंगा कि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फिर लगाऊंगा मैं इसका प्रीफिक्स इन तो इट विल बी कॉल्ड एस्ट ब्यूट वन इन इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूट वन इन लेकिन यहां वाली कंडीशन में आप देखें डबल बॉन्ड आपके दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में अब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में छोटा क्या होता है सेकेंड नंबर छोटा होता है तो so, यहां पर इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपाउंड में चार चार कार्बन है दोनों ही कंपाउंड में आठ आठ हाइड्रोजन हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो नॉमेन की मदद से हमने उसे दिखाना होगा क्लियर चलिए अब कुछ सब्सिट्यूएंट वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा मजा आ जाएगा सब्सिट वाला एग्जाम्पल करने में मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH थ्री CH CH2 CH3 CH थ्री टू थ्री डबल बॉन्ड CH2 टू अब यहां वाला कंडीशन समझना अब यहां पर आप देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास में एक दो तीन चार और पांच एक पांच कार्बन की चेन ये दिखाई ये दे, है। है हाँ दिखा दे रही है अब मुझे बताओ क्या आपको पांच कार्बन की चेन ये भी दिखाई दे रही है अरे हाँ सर ये भी पांच कार्बन की चेन है अब चूज कौन सी करेंगे तो जैसा मैंने आपको रूल बताया दैट अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप वाला रूल आप ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे आप ये वाली चेन जो है आप ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे आप यहां पर लिखेंगे दैट दिस चेन शुड नॉट बी सिलेक्टेड दिस इज नॉट द पेरेंट चेन बिकॉज द डबल बॉन्ड बिकॉज द डबल बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज द डबल बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड तो क्या करना पड़ेगा हमें तो हमें यहां पर यह करना पड़ेगा कि हमें ये वाली लंबी चेन चूज करनी पड़ेगी ये वाली लंबी चेन क्यों चूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंक्लूडेड है इसके अंदर आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंक्लूडेड है डबल बॉन्ड इज इंक्लूडेड क्या है बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई अब नंबरिंग कहां से चालू करेंगे हमें इन सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें ये दोनों सब्सिट्यूएंट की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है ठीक है तो यहां पर आप पहला रूल तो यह लिख लो कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी इट मस्ट कंटेन्स इट मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप और वी कैन से योर डबल और वी कैन से योर ट्रिपल बॉन्ड क्या ये बात समझ पा रहे हैं आपकी जो फंक्शनल ग्रुप वाली चेन होगी वही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी आपको वही चूज करना है दूसरा अगेन वही आपका लोवेस्ट नंबर रूल वही आपका लोवेस्ट नंबर रूल यानी कि आपको फंक्शनल ग्रुप जो होता है इट शुड गेट इट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है तो आप यहां पे कहां से शुरू करोगे यहां से शुरू करोगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये आपकी नंबरिंग हो गई अब आप इसको लिखोगे कैसे अब आप इसको लिखोगे कैसे आप इसे लिखेंगे एल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है तो आप यहां पर लिखेंगे थ्री डैश इथाइल फिर आप डैश लगाएंगे फिर आप लगाएंगे फोर फिर आप डैश लगाएंगे फिर आप लिखाएंगे मिथाइल फिर आप लिखेंगे यहां पर क्योंकि हमारे पास में पांच कार्बन की चेन है सांप इसलिए आप यहां पर लिखोगे साब पेंट पेंट के बाद आप लगाएंगे वन आपने वन क्यों लगाया क्योंकि डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है और पहले और दूसरे में पहला नंबर छोटा होता है इसलिए वन और यहां पर डबल बॉन्ड के लिए आप लगाएंगे इन तो इसका नाम हो जाएगा थ्री इथाइल फोर मिथाइल पेंट वन इन थ्री इथाइल फोर मिथाइल पेंट वन इन करेक्ट कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत पक्की बात लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना रूल नंबर थ्री दैट इन केस ऑफ दैट इन केस ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप दैट इन केस ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप पॉली फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेम टाइप यानी आप यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए इस वाले केस में मोर देन वन मोर देन वन डबल मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड अब यहां वाली कंडीशन में क्या होगा थोड़ा सा अमेंडमेंट हो जाएगा एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अब मान लीजिए आपके पास में एक कंपाउंड आ गया अब इस कंपाउंड के अंदर आपके पास में दो डबल बॉन्ड है अब यहां वाले केस में नंबरिंग कहां से चालू करें साहब साहब यहां वाले केस में नंबरिंग कहां से चालू करें तो साहब यहां वाले केस में आप देखो यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 यानी एक डबल बॉन्ड पहले दूसरे कार्बन में और एक डबल बॉन्ड चौथे पांचवे कार्बन पर पा। यहां से शुरू करोगे तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव यानी यहां से शुरू करोगे तो भी एक डबल बॉन्ड पहले दूसरे में और एक चौथे पांचवे में यानी कहीं से भी शुरू करो ये तो इक्विटिस्टेंस हो गया तो चलो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ऊपर से यानी लेफ्ट से राइट शुरू करूं क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं वहीं से शुरू करूं ठीक है साहब आप वहीं से शुरू करो कोई तकलीफ नहीं है हमको किसी भी तरीके की कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है अब लेकिन इसको लिखेंगे कैसे तो गाइज यहां वाले केस में क्या होगा इन दिस केस इन दिस केस रूट नेम इन दिस केस रूट नेम विल बी रिटर्न एज अलकेन देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं रूट नेम विल बी रिटर्न एज अलकेन एंड फ्रॉम इट and from it ne and from it ne is removed and from it ne is removed followed by followed by writing followed by writing the primary suffix with

यहां पर पहले मुझे लिखना पड़ेगा पेंटेन भले यहां पर डबल बॉन्ड है आपको क्लियरली मालूम है कि इसमें इन लगेगा यह पेंटेन नहीं ये पेंटीन है यह पेंटीन है लेकिन क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया है देखो जब एक डबल बॉन्ड रहता है जब एक डबल बॉन्ड रहता है तो यहां पर हम केवल रूट नेम लिखते हैं यहां पर जब एक डबल बॉन्ड रहता है तो एक डबल बॉन्ड में आप केवल और केवल रूट नेम लिखते हो रूट नेम के बाद आप पोजीशन लिखते हो और पोजीशन के बाद आप लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हो आप यही करना जानते हो आप पोजीशन लिखते हो और फिर आप वो लिखते हो लेकिन जब आपके पास में दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो आप पहले पेंटेन लिखेंगे फिर आप पेंटेन के अंदर से ध्यान से देखना सब लोग किसी ने भी अगर मिस करा तो गड़बड़ कर जाओगे फिर पेंटेन में से जो पेंटेन में ए एन ई होता है ए एन ई तो अल्केन का प्राइमरी सफिक्स है सब जानते हैं तो ये अल्केन के प्राइमरी सफिक्स में से ई और एन हमें निकालना होगा तो ये बन जाएगा पेंटा ये क्या बन जाएगा पेंटा अब जब ये पेंटा बन गया तो पेंटा के बाद में लगाऊंगा डैश फिर मैं लिखूंगा वन क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है और पहले और दूसरे में छोटा होता है वन फिर मैं लगाऊंगा कॉमा फिर चौथे और पांचवे में चौथे पर डबल बॉन्ड है चौथे और पांचवे के बीच में पर छोटा नंबर चार ऐसे लिखूंगा वन कॉमा फोर और फिर मैं लगाऊंगा यहां पर सफिक्स डाय क्यों भैया आप यहां पर भूल गए दैट इन केस दैट इन केस ऑफ दैट इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स दैट इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रिफिक्सिस Prefixes, prefixes like die, tri, tetra, penta are used. भाई ये तो हम लोग जानते ही ही हैं अब भले ही वो नाम के पहले प्रीफिक्स में यूज हो रहा हो या सफिक्स में यूज हो रहा भाई? यूज़ तो हो भाई यूज तो होगा वो आप और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते तो डाय लगेगा और डाय के बाद आ जाएगा इन तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटा वन कॉमा फोर पेंटा वन कॉमा फोर डाय इट विल बी कॉल्ड स्पेंटा वन कॉमा फोर डाईन अब आपको का भी नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से करना आ गया का भी नॉमेनक्लेचर आपको पूरी तरीके से करना आ चुका है और एक अच्छी बात बताऊं मजाक मजाक में आप लोगों को सही बता रहा हूं मजाक मजाक में आप लोगों को कुछ और भी आ गया है सर हमें क्या आ गया है मजाक मजाक में मजाक मजाक में आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के नॉमन भी करते आ चुके हैं क्या बात कर रहे हो सर हमको फंक्शनल ग्रुप के नॉमेन भी आ गए क्या अब क्या करना है भाई जहां जहां मैंने डबल बॉन्ड बोला है वहां वहां फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे सब भी हो जाएगा चलो देखेंगे यहां देखो यहां देखो अब यहां वाले केस में क्या होगा डबल बॉन्ड इसमें और इसमें है एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन की ये भी चेन है एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन की ये भी चेन है एक दो तीन चार पांच कार्बन की चेन है लेकिन मेरी पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट होगी वो यही होगी क्यों क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूडेड है अब मैं नंबरिंग कहां से करूं इक्विड स्टेंट पोजिशन है सर कहीं से भी कर लो इस बार मैं यहां से कर देता हूं मेरी मर्जी तो ये पांच कार्बन की चेन हो गई लेकिन अब तीसरा नंबर वाले कार्बन पर एक सब्सिटूं लटका हुआ दिख रहा है तो हम पहले इसको लिखेंगे थ्री इथाइल फिर कॉमा लगाएंगे फिर पेंट लिख देंगे क्या नहीं सर पेंटा लिखेंगे पेंटा आ पहले तो पेंटेन लिखना चाहिए पेंटेन में से एन ई हटाने के बाद बचेगा पेंटा यानी केवल ए रह जाएगा पेंटा फिर लगाएंगे डैश फिर लगाएंगे वन फिर लगाएंगे फोर फिर लगाएंगे डाई और फिर लिखेंगे इन थ्री इथाइल पेंटा वन कॉमा फोर डाई इन करेक्ट कोई दिक्कत कोई परेशानी हंड्रेड परसेंट क्लियर कोई भी परेशानी आगे बढ़े चलिए इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे हमने यहां पर सबसे पहले के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया फिर अल्कींस पढ़ा अब अल्कींस के बाद अब हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग अलकाइंस का पढ़ने जा रहे हैं तो आप यहां पर हेडिंग डाल लेंगे अलकाइंस अब अलकाइंस के लिए भी सारे रूल्स सेम है जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़े तो यहां पर आप लोग बस स्टार बनाकर लिख लीजिए दैट ऑल रूल्स आर सेम ऑल रूल्स आर सेम एज दैट ऑफ एज दैट ऑफ अल्केस जो आपने अल्केन्स में पढ़े और जो अभी थोड़े से आपने एक्सेप्शन देखे के अंदर वो इसके अंदर भी लागू होंगे ठीक है चलिए एग्जाम्पल एक एक करके बताइए सी एच थ्री सी एच टू सी सी एच टू सी एच थ्री सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अब इस कंपाउंड का क्या नाम होगा वही बात है कि सर यहां पर एक दो तीन चार पांच कार्बन की चेन हो रही है एक दो तीन चार पांच कार्बन की चेन हो रही है एक दो तीन चार पांच कार्बन की चेन हो रही है तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है या तो स्ट्रेट वाली चेन चूज कर लू या तो ये ये और ये वाली चेन चूज कर लू ये वाली और ये सब्सिट्यूंट मान लू जो आपकी इच्छा हो तो हम एक काम करते हैं हम अभी सीधी सीधी मानते हैं सीधा सीधा चलते हैं ताकि ज्यादा मजा आए तो ये हमने चूज कर ली नंबरिंग शुरू करेंगे ऑब्वियसली वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता हो अब हमें हमेंट की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होगा अब यहां पर हम लोग क्या नाम लिखेंगे तीसरा नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है क्योंकि दो कार्बन वाला सब्सिट्यूएंट तो थ्री इथाइल थ्री इथाइल के बाद यहां पर लगाना पड़ेगा का? पांच कार्बन के लिए पेंट यहां पर पेंटा तो नहीं लगाना है नहीं सर आ कब लगेगा रूट नेम के आखिरी में ए कब लगेगा जब दो या दो से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो डबल बॉन्ड हो दो ट्रिपल बॉन्ड हो दो तो लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा तो ये जाएगा पेंटा वन और यहां पर इन या एन की जगह लग जाएगा आईन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है समझ पा रहे हैं हम इस चीज को कि नहीं पा रहे हैं ठीक है सबस्टिटूंट वाला सीख लिया एक पॉली वाला सीख लो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच चलिए इस कंपाउंड का नॉमेंट क्लेचर कीजिए क्लियरली दिख रहा है सर अब बकवास फेलने की जगह सीधे काम की बात करें तो ये हो गई सबसे लंबी हमारी कार्बन की चेन अब सर यहां से नंबरिंग अगर हम करें तो अब यहां पर देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है कहने को तो मैं इसको वन इसको टू इसको थ्री इसको फोर इसको फाइव और इसको सिक्स बोल लूंगा या मैं एक काम और कर सकता हूं मैं इसको वन इसको टू इसको थ्री इसको फोर इसको फाइव और इसको सिक्स बोल लू तो वन टू फाइव सिक्स वन टू फाइव सिक्स डबल बॉन्ड की पोजीशन सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तो इक्विडिटेंस पर आ रही है आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन तो इक्विडेंस पर आ रही है और यहां पर आपके जो सब्सिडुएंट है यहां पर इथाइल को थ्री मिल रहा है तो मिथाइल को फोर मिल रहा है और अगर इधर से आओगे लेफ्ट से आओगे तो आपके मिथाइल को थ्री मिल रहा है और इथाइल को फोर मिल रहा है तो अब आपको लग रहा होगा कहीं से भी शुरू कर दू नहीं, अल्फाबेटिकल रूल यहां पर बिकॉज़, यहां पर बिकॉज योर ट्रिपल बॉन्ड आर एट इक्विडिस्टेंस आर एट आर एट इक्वी डिस्टेंस आर एट इक्वी डिस्टेंस एंड योर सब्सटीटूएंट्स ऑल्सो एंड योर सब्सटीटूएंट्स ऑल्सो सो देअर फोर एल्फाबेटिकल फॉलो करना पड़ेगा सो देअर फोर हम लोग क्या लिखेंगे सो देअर फोर हम लोग एल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करेंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो मिथाइल को थ्री और इथाइल को फोर मिल रहा इथाइल जो कि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसको बड़ा नंबर मिल रहा है और अगर मैं यहां से राइट से नंबरिंग शुरू करता हूं तो ठीक है जब हम राइट से नंबरिंग शुरू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हमारे इथाइल को छोटा नंबर मिल रहा है थ्री और मिथाइल को बड़ा नंबर मिल रहा है फोर तो इवन दो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इवन दो इसमें सब्सिट्यूएंट की कोई इज्जत नहीं है लेकिन सब कुछ इक्वे डिस्टेंस पर है ट्रिपल बॉन्ड भी इक्वी डिस्टेंस पर है सब्सिटूं भी इक्वी डिस्टेंस पर है तो फिर अल्फाबेटिकल लगाना पड़ेगा मतलब रूल के अंदर रूल के अंदर रूल और ये अल्फाबेटिकल रूल कोई तुम आज पहली बार नहीं सीख रहे हो ये के अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर आप इक्वी डिस्टेंस पर हो दोनों तरफ से अगर आपको नाम लिखना है नंबरिंग करना है तो नंबरिंग फिर इक्वि डिस्टेंस पर अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल रहेगी अदरवाइज नहीं अगर इक्विटिस्टेंस नहीं है अगर मान लो ये सी एच थ्री यहाँ की जगह यहां कहीं पर होता तो तो ये प्रेफरेबल होता ही नहीं लेकिन यहां पर है तो मुझे इसको नाम इसी तरीके से देना पड़ेगा इसका नाम क्या हो जाएगा एल्फाबेटिकली छोटा नंबर भी दिया और लिखेंगे कि पहले थ्री इथाइल कॉमा फोर मिथाइल थ्री इथाइल फोर मिथाइल एक दो तीन चार पांच छह छह कार्बन की चेन है इसलिए हेग्स सर सिर्फ हेग्स लिखेंगे क्या नग्जेन लिखना पड़ेगा हेगेन और फिर इस ट्रिपल बॉन्ड को लिखने के लिए हमें हेक्सेन में से ई e और एन को माइनस करना पड़ेगा फिर यहां पर लगाना पड़ेगा वन फिर यहां पर लगाना पड़ेगा फाइव फिर यहां पर लगाना पड़ेगा डाय और फिर लगाना पड़ेगा आइन, वाई एन ई डाइन कंसेप्ट समझ में बैठ रहा है कंसेप्ट समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अच्छा एक छोटी सी बात स्टार बनाकर हमेशा लिखेंगे दैट यू कैन नेवर यूज वी कैन नेवर यूज ए एन ई एन ई एंड वाई एन ई इन प्रिफिक्स आप इन्हें प्रिफिक्स में कभी नहीं लिखेंगे अब एक स्टार बनाकर एक इंपॉर्टेंट रूल लिखेंगे एक स्टार बनाकर एक इंपॉर्टेंट रूल लिखेंगे दैट इफ बोथ दैट इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा देन आपका जो डबल बॉन्ड होगा देन आपका जो डबल बॉन्ड होगा दिस डबल बॉन्ड इज प्रेफरेबल योर डबल बॉन्ड इज प्रेफरेबल ओवर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेफरेबल ओवर इज प्रेफरेबल ओवर ट्रिपल बॉन्ड आपके ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ये फेवरेबल रहेगा but but their names but their names are written but their names are written in alphabetical order in alpha betical orders कैसे सर एक एग्जाम्पल के साथ कराओगे तो मजा आएगा एग्जाम्पल ही करवाने जा रहा हूं ध्यान से देखेंगे इसको CH3, थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू देन सी एच टू देन सी एच टू देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अब इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो अब देखने वाला बोल रहा है कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप सर इसके अंदर तो एक दो तीन चार पांच छह छह कार्बन की चेन है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई और अब देखने वाला बोलेगा कि सर नंबरिंग यहां से चालू करो ताकि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए और डबल बॉन्ड को जो भी मिलता रहे लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ भी हो जाए अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो डबल बॉन्ड ही प्रेफर किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो मैं ना चाहते हुए भी लोवेस्ट नंबर रूल को अवॉइड करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं लोवेस्ट सम रूल इज अवॉइडेड क्लियरलीवेस्ट सम रूल यहां पर अवॉइड किया गया क्यों अवॉइड किया गया क्योंकि यहां पर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स आ गए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो यहां पर ना चाहते हुए भी मुझे क्या करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी मुझे क्या करना पड़ रहा है मुझे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ रहा है तो अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड को मैंने प्रेफरेंस दे दी नंबरिंग तो डबल बॉन्ड इज प्रेफरेबल ओवर ट्रिपल बॉन्ड वाइल नंबरिंग ताकि आपको ध्यान रहे कि कायम में प्रेफर करना है लिखने में तो नहीं करना है नहीं नहीं नंबरिंग में करना है नंबरिंग में डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा और लिखेंगे कैसे इनके नाम अल्फाबेटिकली अब अल्फाबेटिकली ई एन ई पहले आएगा वाई एन ई के भाई आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई लगता है तो ये तो वैसे भी प्रेफरेबल नहीं है अल्फाबेटिकली तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे क्योंकि छह कार्बन की चेन है इस इसका नाम लिखेंगे हेक्जेन। अब हेगेन में से मैं एन और ई हटा देता हूं मैं बार बार इसलिए इस, इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए भाई दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप है ना और दोनों डबल ट्रिपल बॉन्ड इसलिए हेक्सा हेक्सा फिर हेक्जा के फिर के बाद में लगाऊंगा डैश लिखूंगा टू फिर लगाऊंगा इन फिर लगाऊंगा कॉमा इन पहले क्यों आया सर अल्फाबेटिकली और प्रेफरेबल भी वही है तो दोनों कंडीशन में पहले आ गया चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ फिर मैं लगाऊंगा फाइव सॉरी कॉमा नहीं आएगा इन फिर यहां पर आएगा डैश फिर आपका फाइव फिर डैश फिर वाइन तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सा टू इन फाइव आइन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सा टू इन वाई आइन हेग्जा टू इन कोई दिक्कत के अंदर कोई परेशानी किसी भी तरीके का कोई भी कोई भी इशू दिख रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है पक्का समझ में आ गया इतना कोई भी दिक्कत आ रही हो तो चलो एक कंपाउंड का नॉमेंट आप करके बताओ फिर मुझे फटाफट से ताकि मैं नए टॉपिक की तरफ चलूं सी एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू चलिए मुझे इस कंपाउंड का नॉमेंट क्लेचर करके बताइए डेफिनेटली डबल बॉन्ड को क्लियर कट प्रॉफिट मिलना चाहिए ओवर ट्रिपल बॉन्ड तो नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा तो डबल बॉन्ड को दोनों तरफ बड़े नंबर मिलेंगे इसलिए नंबरिंग मुझे शुरू करनी पड़ेगी यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे एट कार्बन की चेन है इसलिए ऑक्ट दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड यानी पॉलीफंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्टा मैंने एन का एन ही हटा दिया और केवल लिख दिया ऑक्टा अब ऑक्टा के बाद में लिखूंगा वन वन के बाद में लिखूंगा फोर फिर यहां पर मैं लगाऊंगा डाई

एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कैसे लिखेंगे और अगर एक से ज्यादा टाइप के अलग अलग टाइप के फंक्शन ग्रुप आ जाए तो कैसे लिखेंगे अब फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे पहले इतना नोट करो चलो तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था ब्रेक लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है गाइस लेट्स मूव और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं नॉमेन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमने अल्किन देख लिए हमने अलकाइन देख लिए अब हम यहां पर बात करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स अब हम यहां पर बात करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स ठीक है गाइस चलिए अब यहां पर आप मेरे साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा देखिए क्या होता है हर फंक्शनल ग्रुप के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम्स फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स या तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं या ये सिंपल एटम हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप या तो ग्रुप ऑफ एटम होंगे या एटम होंगे दैट चेंजेस द दैट चेंजेस द प्रॉपर्टीज दैट चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन अकॉर्डिंग टू इट सीधी सी भाषा में अगर बोला जाए कि जैसे यह फंक्शनल ग्रुप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से कनेक्ट होता है यह उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को अपनी जैसा बना लेता है अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप की मैं आपको एक पूरी चार्ट दिखाता हूं जो एनसीआरटी में बहुत बढ़िया दे रखा है हमें एनसीआरटी के बाहर किसी भी तरीके की चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है तो अब हम लोग यहां पर एनसीआरटी के चार्ट को एक बार यहां पर ऑब्जर्व करते हैं देखिए तो यहां पर गाइज आप लोगों को एनसीआर के अंदर यह पर्टिकुलर चार्ट दे रखा है इसमें क्लास ऑफ कंपाउंड में अल्केन अल्किन अलकाइन ये तीन नाम दे रखे हैं देखिए आपको यहां पर तीन नाम दे रखे हैं में यू विल ऑब्जर्व कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड यू विल ऑब्जर्व कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एंड यू विल ऑब्जर्व कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आप देखिए इनका कोई प्रिफिक्स नहीं है जैसा मैंने आपको सिखाया कि अल्केन हो अल्कीन हो या अल्काइन हो आप हमेशा इन्हें रूट नेम के पीछे लिखेंगे और आप हमेशा ध्यान रखेंगे दैट दे आर ऑलवेज अटैच दे आर ऑलवेज अटैच एस द प्राइमरी सफिक्स जैसा मैंने आपको सिखाया है सफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स तो जो प्राइमरी सफिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी सफिक्स में या तो एन आएगा या तो इन आएगा या तो आइन आएगा क्या चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को कोई परेशानी जैसे यहां पर एग्जाम्पल में ब्यूटेन लिखा है ब्यूट वन इन लिखा है ब्यूट वन आइन लिखा है लाइकवाइज एक फंक्शनल ग्रुप की क्लास होती है एरिन एरिन यानी कि आपका बेंजीन सीधी <laughs> सी बात एरिन यानी कि आपका बेंजीन एरिन के भी हम लोग नॉमेंट पढ़ेंगे यहां तक सबको बेसिक क्लियर हो गया चलिए अब हम यहां पर शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना दैट इज योर अब यहां पर ये यह जो होते हैं योअर का सिंबल होता है एक्स अब यानी कि हैलोजेंस तो सर हेलोजेंस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं क्या सभी इसमें इंक्लूड होंगे जी हां इसमें सभी इंक्लूड होंगे आप देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन सारे के सारे इसके अंदर लिखे जाएंगे हमेशा एक बात ध्यान रखना आपके हेलाइट हमेशा प्रीफिक्स में ऐड किए जाएंगे हेलाइट कभी सफिक्स में नहीं आएंगे जैसा मैंने आपको नॉम क्लेचर सिखाते वक्त कहा था कि जब कभी भी रूट नेम के आगे जो प्रीफिक्स लगता है प्रीफिक्स में या तो आपके सब्सटीटूएंट्स लगते हैं जैसे अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल पेंटाइल या वो ब्रांच वाले अल्काइल ग्रुप वन मिथाइल प्रोपाइल इस तरीके के आपके ब्रांच ग्रुप और साथ साथ में आपके फंक्शनल ग्रुप भी लगते हैं और मैं आपसे बार बार वहां पर कह रहा था कि मैं सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में लगेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके जो हेलोजन होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स में लगेंगे और उनका नाम हम लिखेंगे हेलो तो सर क्या सभी के लिए हेलो लगेगा नहीं हेलो एक कॉमन नेम है अगर मान लीजिए आपके कंपाउंड में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे फ्लोरीन बन जाएगा आपका फ्लोरो देखो हेलो फ्लोरो हेलो फ्लोरो। यानी हेलो मतलब हेलोजन और हेलोजन के नाम के आखिरी में ओ तो फ्लोरो क्लोरीन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा ये क्लोरो ब्रोमीन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा ये ब्रोमो आयोडीन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा ये आयोडो समझ में आया कॉन्सेप्ट ठीक है अच्छा कोई दिक्कत के अंदर कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पक्का हंड्रेड परसेंट क्लियर सेकेंड फंक्शनल ग्रुप की तरफ चले अभी वी आर नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल्स वी आर नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल्स हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब प्रैक्टिस करते वक्त मैं आपको सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना सिखा दूंगा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप आता है आपके अल्कोहल्स पहला है lights. दूसरे आते हैं अल्कोहल गाइस अल्कोहल का सिंबल होता है ओ एच OH. मतलब जब आपके किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर अगर आपको ओ OH एच जुड़ा हुआ दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ओ OH एच जुड़ा हुआ है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर ओ एच फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है अल्कोहल अब गाइस अल्कोहल में आप देखो इसका प्रीफिक्स नेम भी है और इसका सफिक्स नेम भी है सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों हम कब, हम कब डिसाइड करेंगे कि अल्कोहल के नाम को प्रीफिक्स में लिखना है या अल्कोहल के नाम को सफिक्स में लिखना है हम कब डिसाइड करेंगे? आप और मैं मिलकर कब डिसाइड करेंगे कि कब अल्कोहल को प्रीफिक्स में नाम लिखना है यानी कब रूट नेम के आगे हाइड्रोक्सी लगाना है या कब सफिक्स अब यह सारे सफिक्स हम कौन से पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स यानी कब प्राइमरी सफिक्स के बाद हमें सेकेंडरी सफिक्स यानी ओल लगाना है ये मैं आपको रूल में सिखाऊंगा अभी आप केवल नाम देख लो तो अल्कोहल का प्रिफिक्स नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी और अल्कोहल का सफिक्स नेम हो जाएगा ओल जैसे आपने नाम सुना होगा ब्यूटेन टू ऑल ब्यूटेनॉल मीथेनॉल पेंटेनॉल नॉल ओल ओल आखिरी में जो लगा हुआ है वो सफिक्स है तो सर हमने हाइड्रोक्सी तो कभी सुना नहीं सुनाऊंगा दिखाऊंगा पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा अगला फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड दैट इज सी एच ओ एल्डिहाइड दैट इज सी एच ओ सी एच ओ जब जुड़ा हुआ दिखे दैट विल बी और एल्डिहाइड एल्डिहाइड का डिटेल्ड सिंबल देख लीजिए कार्बन के पास में ये वाला जो बॉन्ड है ये आपकी पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगा ये इधर यहां पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहता है और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा रहता है दिस इज सी इसका प्रीफिक्स नेम या तो आप फॉर्माइल लिख लीजिए एफओ आर एम वाइल फॉर्माइल या तो आप ऑक्सो भी लिख लीजिए मेरे हिसाब से आप फॉर्माइल यूज करना क्योंकि ऑक्सो आप देख रहे हो कीटोन का भी है तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम फॉर्माइल लिखेंगे और अल्डीहाइट का सफिक्स नेम होता है अल यानी जब अल्डीहाइट आ जाएगा तो हम लिखेंगे अल वैसे अगला फंक्शनल ग्रुप आता है आपका कीटोन कीटोन इज सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि आपका कार्बन इधर भी एक रूट चेन इधर भी एक रूट चेन मतलब कीटोन में इधर भी एक अल्काइल ग्रुप रहेगा और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप रहेगा और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन तो अब आप एक बात क्या सीखे कि सर अल्डिहाइड देखा अल्कोहल देखा हेलाइड देखा ये सब टर्मिनल पोजीशन पे यानी आखिरी वाले कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं बीच में तो हो ही सकते हैं ये टर्मिनल यानी आगे और पीछे फर्स्ट और लास्ट वाली पोजीशन पे भी हो सकते हैं वेरी एंड में भी हो सकते हैं लेकिन कीटोन कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड के इधर भी एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात क्या मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आ रही है अंडरस्टैंडेबल है यह चीज अच्छा कीटोन का प्रीफिक्स नेम इज ऑक्सो सफिक्स नेम इज ओन हम इनके सबके नॉमिन क्लेचर करके देखेंगे डोंट वरी अगला फंक्शनल ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप का नाम और सफिक्स का नाम सेम हो गया प्रीफिक्स का नाम साइनो हो गया और आप लोग जानते हैं सी एन को आप बहुत टाइम से साइनो बोलते आए हैं अगले आते हैं ईथर्स ईथर्स इज आर ओ आर अब आप लोग सब जानते हैं कि यहां पर आर का मतलब क्या होगा आर का मतलब आपका ये किसी भी टाइप का एलकाइल ग्रुप हो सकता है ये किसी भी टाइप का अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप इसका एग्जाम्पल देखिए सी एच थ्री सी एच टू यह एक इथाइल ग्रुप हो गया सी एच टू सी एच थ्री ये भी इथाइल ग्रुप हो गया सी एच थ्री इथाइल ग्रुप हो गया ओ इधर मैंने एक और इथाइल ग्रुप लगा दिया सी एच थ्री तो ये जो दिखता है ये आपकी ईथर फैमिली का पार्ट है मतलब टेक्निकली यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप के अगर बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो वो आपका ईथर बन जाएगा अब आप देखो ईथर और, और कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है ये कार्बन इधर वाले अल्काइल ग्रुप और ये कार्बन इधर वाले अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है मतलब यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन इस सी एच थ्री के कार्बन से और यही कार्बन सी एच टू सी एच थ्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी पर ऑक्सीजन इस और इस अल्काइल अल्काइल और ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ईथर्स में डायरेक्टली ऑक्सीजन ही कनेक्टेड होता है ईथर ईथर का केवल प्रीफिक्स नेम ही आता है यह कभी सफिक्स में लिखा नहीं जाता है आप देखें और उसको बोला अलकॉक्सी क्या बोला जाता है अलकॉक्सी अब इसके नाम को सर कैसे लिखेंगे हमको तो कुछ समझ में नहीं आया मैं सिखाऊंगा ईथर के इस अलकॉक्सी वर्ड को कैसे यूज करना है यह मैं सिखाऊंगा पहले हम केवल फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हैं फिर रूल्स देखेंगे और एक एक करके सबका नॉमिन करना सीख लेंगे अगला आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिडीज सी ओओ एच इसका प्रीफिक्स नेम इज कार्बोक्सी और सफिक्स नेम ओइक एसिड अगला आता है कार्बोक्सिलेट आयंस देखिए कार्बोक्सिलेट आयंस और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही चीज का फर्क है कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन था यहां पर हाइड्रोजन नहीं है और आप लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जब हाइड्रोजन के पिछवाड़े पे लात मारता होगा तो यह हाइड्रोजन बेचारा H+ बन के भाग जाता होगा और यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यह वाला ऑक्सीजन अपने पास रख लेता है इसीलिए ऑक्सीजन पर आप लोगों को एक नेगेटिव चार्ज यहां पर नजर आ रहा है इसको कभी प्रीफिक्स में नहीं लिखते और इस पर्टिकुलर कंपाउंड के आखिरी में लगा देते हैं ओएट ओ ए टी आपने नाम सुना होगा ब्यूटेनोएट तो ये कैसे नाम लिखते हैं ये भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं डेफिनेटली हम ये सब सीखेंगे चलिए अभी देखो फंक्शनल ग्रुप की टेबल खत्म नहीं हुई है फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे टाइप के भैया ऐसा थोड़ी है कि मजाक मजाक में काम हो जाए चलिए अगले आते हैं ईस्टर्स देखो ईथर्स और ईस्टर्स नाम बड़े सिमिलर हैं बड़े क्लोज नाम है कंफ्यूज नहीं होना साथ जैसे जो करते हैं ना ईस्टर इसमें और ईथर में फर्क है ईथर इज आर ओ आर ईथर आर ओ आर आर ओ आर ईथर ईथर कितना प्यार से निकल गया मुझे ईथर आर। ये भी प्यार से निकल गया लेकिन ईस्टर जोर लग गया किसी को दस्त लगे हो तो उसकी निकल जाए ईस्टर इतना जोर से बोलना पड़ता है तो लूज मोशन वाले बच्चे ध्यान रखें ईस्टर ना बोले ईस्टर बोले इस्टर निकलती है तो ईस्टर इज सी ओ आर इस देखो इसका नाम बोलने में भी गले में जोर आता है सी ओ ओ आर ईस्टर लूज मोशन वाले की पॉटी निकल गई पॉटी निकल के क्या बोला सी ओ ओ आर Easter, इस करा, 40 निकल गई ओ आर यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बच्चा है इसने क्या करा हाइड्रोजन निकालकर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया तुम्हारा सी ओओ आर दिखता कैसा होगा ये सी ये जो बॉन्ड है ये पेरेंट चेन से कनेक्ट हो गया ये वाला बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया एक ऑक्सीजन लग गया और एक आर हो गया दैट इज सी ओ आर इसका प्रीफिक्स नेम अल्कोक्सी कार्बोनिल होता है और ओ एट इसका भी सफिक्स नेम है तो कार्बोक्सिलेट आयन और ईस्टर दोनों का सफिक्स नेम से टी ई दैट इज ओ ए ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असाइल हेलाइड सीओ एक्स मतलब क्या हुआ मतलब यहां पर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया और यहां पर एक हेलोजन कनेक्ट हो गया एक्स मतलब हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसका प्रीफिक्स नेम होगा हेलो कार्बोनिल अब ये हेलो मतलब आप समझ ही गए हो अगर यहां पर फ्लोरीन जोड़ दोगे तो ये फ्लोरो कार्बोनिल कहलाएगा क्लोरीन जोड़ दोगे तो क्लोरो कार्बोनिल ब्रोमिन जोड़ दोगे तो ब्रोमो कार्बोनिल आयोडीन जोड़ दोगे तो आयोडो कार्बोनिल और यहां पर सफिक्स नेम हो जाएगा ऑयल हेलाइड अब यहां पर हेलाइड मतलब क्या फ्लोरिन जोड़ दिया तो ऑयल फ्लोराइड क्लोरिन जोड़ दिया तो ऑयल क्लोराइड ब्रोमिन जोड़ दिया तो ऑयल ब्रोमाइड आयोडीन जोड़ दिया तो आयोडीन की जगह क्या हो जाएगा ऑयल आयोडाइड जैसे एग्जाम्पल में नाम पढ़ो ब्यूटेन ऑयल ब्यूटेन ये आपका रूट नेम हो गया एन आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया ऑयल ऑइल आ गया और क्लोराइड आ गया यहां पर अब अगला आता है आपके एमाइंस अब देखो अमाइंस यहां पर तीन सिंबल लगे हुए अमाइंस के तीन सिंबल लगे हुए एक आपका नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन इस बॉन्ड से आपकी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है यह आपकी यहां पर एक पेरेंट चेन से कनेक्ट हो गया और इस नाइट्रोजन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी एन तो एक तो ये भी अमाइन है कई बार क्या होता है ये नाइट्रोजन इधर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन के मान लो ये आर क्या है तुम्हारी पेरेंट चेन यहां पर एक और अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो ये नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है यहां पर दो हाइड्रोजन थे यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया और कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजन एक पेरेंट चेन एक अल्काइल ग्रुप और एक और अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो जाता है यहां पर हाइड्रोजन रहता ही नहीं है तो ये ये और ये तीनों अमाइन की कैटेगरी में आएंगे ये भी अमाइन ये भी अमाइन और ये भी अमाइन ये आपका प्राइमरी अमाइन ये आपका सेकेंडरी अमाइन ये आपका टर्शरी अमाइन इस अमाइन के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर ही है क्लास ट्वेल्थ में <coughs> फिर अगले आते हैं आपके अमाइड्स अब देखो अमाइंस और अमाइड्स में फर्क है इसमें डज अमाइड्स ओ एन एच टू <laughs> वही अमाइड्स जब जोर लगाना पड़े तो कार्बन ऑक्सीजन जोड़ दो सिंपल निकल जाए तो नॉर्मल बोल दो अब CONH2 CONHR CONHR2 ये तीनों आपके अमाइड्स के सिंबल है अच्छा अमाइड्स का प्रीफिक्स नेम अमीनो सफिक्स नेम अमाइन अमाइड्स का प्रीफिक्स नेम कार्बामोइल और इसका प्रीफिक्स के बाद सफिक्स नेम अमाइड अगले होते हैं तुम्हारे नाइट्रो ग्रुप NO2 दैट इज नाइट्रो इसको कभी सफिक्स में नहीं लगाते हमेशा प्रीफिक्स में आएगा यानी अभी तक हम लोगों ने तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए जो हमेशा प्रीफिक्स में ही आएंगे हेलाइड्स ईथर्स और तुम्हारे नाइट्रो कंपाउंड अच्छा ये सी डबल बॉन्ड एनएक्स टू का सिंबल भी तुमको बता देता हूं वरना तुमको कंफ्यूजन होगा बोलोगे सर ने बताया नहीं देखो ये जो तुम्हारा अमाइड है ये भी सीख लो कार्बन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से इधर पेरेंट चेन से कनेक्ट हो जाएगा फिर ये कार्बन से डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है फिर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये नाइट्रोजन से सॉरी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन जो इधर एक पेरेंट चेन से कनेक्ट हो गया ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इससे एक नाइट्रोजन और उससे दो हाइड्रोजन ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइड हो गया फिर ये कार्बन जो इधर पेरेंट चेन से कनेक्टेड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर एक नाइट्रोजन आ गया इधर एक हाइड्रोजन है और दूसरी वैलेंसी आर यानी अल्काइल ग्रुप ने सेटिस्फाई करी है सेकेंडरी अमाइन फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एन आर ये तुम्हारा टर्शरी अमाइन हो जाएगा ये तीनों सॉरी टर्शरी अमाइड हो जाएगा ये तीनों आपके अमाइड हो गए ठीक है कोई दिक्कत करंट लगा करंट लग गया यार. उफ। ओ झटको झटको झटका मार दिया भैया जस्ट गिव मी वन मिनट हम्म चलो अगला आता है सल्फोनिक एसिड्स सल्फोनिक एसिड्स एसिड एस ओ थ्री एच इसका नेम सल्फो है सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड्स है है ठीक तो ये आपकी पूरी फंक्शनल ग्रुप की टेबल हो गई अब आप इस फंक्शनल ग्रुप की टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नॉमिन की तरफ चलते हैं ठीक है चलिए बड़े आगे चलो तो पूरी फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखने के बाद अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेते हैं तो गाइज रूल्स तो सेम है रूल्स आर सेम एज वी स्टडीड प्रीवियसली एज वी स्टडीड प्रीवियसली कैसे सर सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करेंगे याद करो सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करेंगे हां सर सबसे लंबी कार्बन की चेन ऐसी चेन चूज करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो भाई अभी तुमको थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया कि सबसे लंबी कार्बन की चेन वो चेन चूज करना जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो ठीक उसी प्रकार सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो वो चेन चूज नहीं करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो दूसरा लोवेस्ट नंबर रूल फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद हैं तो नंबरिंग हमें हमेशा ऐसी शुरू करनी पड़ेगी जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले इनरिस्पेक्टिव ऑफ द लोएस्ट सम रूल हमें लोवेस्ट सम रूल से कोई मतलब नहीं है हमें लोवेस्ट सम रूल से कोई मतलब नहीं रहेगा हम नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले हम कभी ऐसा ना करें कि फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और लोवेस्ट सम लगा रहे हैं लोवेस्ट सम रूल कभी नहीं लगता लोवेस्ट नंबर रूल ही लगता है फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में तीसरा अगर इक्विड डिस्टेंस पर है तो इक्विड डिस्टेंस पर है तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लो फिर उसमें सब्सिटूएंट देख लो कि सब्सिटूएंट कौन सा लगा हुआ है फिर उस हिसाब से नंबरिंग करना पड़ेगी एक से ज्यादा टाइप के सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगाना पड़ेगा समझ में आ गया ये सारे रूल्स सेम है तो चलिए इनके ऊपर अपन एक एक बार करके सभी के एग्जाम्पल करके देखते हैं तो इनको लिखते कैसे देखिए तो हाउ टू राइट द नेम सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे रूट नेम रूट नेम के पहले अगर कोई प्रीफिक्स हो और अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो प्रीफिक्स में आ रहा है वो तो वही लगेगा फिर आपका आएगा प्राइमरी सफिक्स अच्छा प्राइमरी सफिक्स में एक बात ध्यान रखना प्राइमरी सफिक्स के बाद में प्राइमरी सफिक्स के बाद में आपको ई को रिमूव करना पड़ेगा और आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जोड़ना पड़ेगा तो बन जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स तो बनेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स कैसे सर एक एग्जाम्पल के साथ बताओ देखिए प्लस आपका सेकेंडरी सफिक्स का है ठीक है कैसे बनेगा सर ये बताओ तो मैं आपको ये बताता हूं तो यहां पर आप क्या करो इसमें से माइनस -E ई कर दो और यहां पर जोड़ दो आपका सेकेंडरी सफिक्स बस ये सबसे परफेक्ट है चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं एग्जांपल नंबर वन में आपको करवाता हूं मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH Cl CH2 CH3 चलिए ये कंपाउंड है अब इस कंपाउंड का नॉम कैसे करेंगे सर क्लियरली दिख रहा है कि ये है आपके सबसे लंबी कार्बन की चेन दिस इज योर सबसे लंबी कार्बन की चेन राइट सबसे लंबी कार्बन की चेन मिल नंबरिंग करूंगा करूंगा यहां से करूंगा, ताकि मेरे दूसरे नंबर वाले कार्बन पर जिस पर मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दिख जाए अब लिखूंगा कैसे क्योंकि ये हेलोजन है ये हमेशा प्रीफिक्स में आएगा तो मैं लिखूंगा टू क्योंकि नंबर लिखना भी जरूरी है फिर मैं इसका नाम लिखूंगा क्लोरो और यहां पर चार कार्बन की चेन इसलिए मैं इसको लिखूंगा ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन इसको मैं क्या बोलूंगा टू क्लोरो ब्यूटेन टू क्लोरो ब्यूटेन चलिए दूसरा कंपाउंड को नॉमिन करके देखते हैं सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच अब जरा इस कंपाउंड को देखो अब टेक्निकली यहां पर आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन ये वाली दिख रही है दिस इज सबसे लंबी कार्बन की चेन अब मैंने वो चेन क्यों सिलेक्ट करी मैंने यह चेन इसलिए सिलेक्ट करी मैंने ये वाली चेन इसलिए सिलेक्ट करी क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप भी इस चेन के अंदर आ गया अब यहां पर सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करना शुरू करनी पड़ेगी तो मैं आपको जो कह रहा था ना कि लोवेस्ट सम रूल जो लगेगा वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल लोग बोलेंगे कि सर इसे वन बोलो इसे टू बोलो इसे थ्री बोलो इसे फोर बोलो इसे फाइव बोलो इस हिसाब से आपके एक मिथाइल को टू नंबर मिल गया एक मिथाइल को थ्री नंबर मिल गया और फंक्शनल ग्रुप जो आपका ये कनेक्टेड है इसको फाइव मिल जाएगा तो फाइव थ्री एट नाइन टेन हो जाएगा लेकिन सर इसके अपोजिट अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं तो अब आपके फंक्शनल ग्रुप को वन मिल जाएगा देन ये हो जाएगा टू देन ये हो जाएगा थ्री देन ये फोर एंड फाइव तो एक मिथाइल को थ्री मिल जाएगा और एक मिथाइल को फोर मिल जाएगा है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहां पर देखो टेक्निकली लोएस्ट सम रूल भी अप्लाई हो गया मजाक मजाक में लोएस्ट सम रूल भी अप्लाई हो गया और इसी हिसाब से इसी हिसाब से हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग यहां पर नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे जहां से हमारा फंक्शन ग्रुप पास है मतलब हर बार लोवेस्ट सम रूल एप्लीकेबल हो वो जरूरी नहीं है हर बार लोवेस्ट सम रूल एप्लीकेबल हो वो जरूरी नहीं है जरूरी क्या है कि मैं तो बस आग मूंद के लिए बोलू कि अच्छा अच्छा मेरा फंक्शनल ग्रुप यहां है इस कार्बन से कनेक्टेड है तो बस ये नंबर वन है फिर इसको थ्री मिले इसको फोर मिले फाइव मिले कुछ भी मिले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे पहले हम लिखेंगे थ्री हम लिखेंगे फोर, हम लिखेंगे हम लिखेंगे मेथाईल, मेथाईल, फिर हम लिखेंगे डाय फिर हम लोग लिखेंगे मेथाइल डाय मेथाइल फिर यहां पर एक दो तीन चार पांच पांच कार्बन है इसलिए पेंट पेंट के बाद यहां पर आप देखो सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन तो यह पेंटेन हो गया अब यहां पर बात समझने की है कि पेंटेन ए एन ई ये आपका प्राइमरी सफिक्स है ये आपका प्राइमरी सफिक्स है अब आपको प्राइमरी सफिक्स में से ई e माइनस करना है और आपको सेकेंडरी सफिक्स जो कि अल्कोहल का क्या है ओल वो जोड़ना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे हमने ई हटाया ई हटाया और ई हटाने के बाद हमने डैश लगाया हमने लगाया वन और फिर हमने लिखा ओल जिस प्रकार आप एक सब्सिट्यूएंट की पोजीशन आप प्रीफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंटेन करते हो मेंशन करते हो आपको यहां पर आपके सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन, यानी आपको आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी ताकि हमें पता रहे कि जो पेंटेन है पेंटेन मतलब पांच कार्बन की चेन पांचों के पांचों कार्बन में सिंगल बॉन्ड उसमें पहले नंबर वाले कार्बन पर ओल यानी अल्कोहल जुड़ा हुआ है दिस इज हाउ वी शुड राइट द नेम्स दिस इज हाउ वी शुड राइट द नेम्स तो आपको अल्कोहल का नोमिन क्लेचर करते आया नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू नोमिन क्लेट दी अल्कोहल्स नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू नोमिन क्लेट दल्कोहल्स चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे सी एच थ्री सी एच सी एच टू ओ एच सी एच टू CH3 अब यहां पर आप इस कंपाउंड का क्या नाम लिखेंगे अब वही बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या है, करते हैं बोलते हैं ये मिल गए हमको हमारे चार कार्बन की चेन गलत ये चार कार्बन की चेन पेरेंट चेन हो ही सकती क्योंकि अल्कोहल तो बाहर हो गया भाई मेरा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप तो पिक्चर के बाहर ही हो गया तो मैं तो पसंद ही नहीं करूंगा इस चेन को बोलूंगा हट ये चेन हो ही नहीं सकती फिर क्या करूंगा मैं बोलूंगा मैं ये चेन चूज करूंगा जिसमें मेरा अल्कोहल कनेक्टेड दिखाई दे ओके तो लाइट आ चुकी है हम लोग भी आ चुके हैं तो यहां पर हम लोग सबसे लंबी कार्बन की चेन अब ये वाली चूज करने वाले हैं आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ये वाली कार्बन की चेन चूज करेंगे क्योंकि इस चेन के अंदर हमारे दो फायदे हो गए एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी मिल गया एक दो तीन चार और आपका फंक्शनल ग्रुप भी कनेक्ट हो गया अब आप बोलोगे सर नंबरिंग कहां से करूं अगर मैं यहां से करूं कि यहां से करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है तो मैं इसे नंबर वन कार्बन मानूंगा इसे टू इसे थ्री और इसे फोर मानूंगा अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखूंगा दूसरे कार्बन पर यह मेथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा टू मेथाइल एक दो तीन चार चार कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन ई माइनस कर दिया मैंने ए एन ई में से ई e हटा दिया पहले नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है ब्यूटेन वन ऑल अब आप लोग इसकी बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस मार सकते हैं क्या चीज क्लियर होती है कोई परेशानी कोई दिक्कत चलिए एक कंपाउंड का नॉर्मेन क्लियचर अब हम लोग यहां पर ऐसा करके देखते हैं मान लीजिए आपके पास में यहां पर आ गया सीएच थ्री सीएच सीएच टू सी एच ओ एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री चलिए मुझे बताइए अभी इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होगा अब यहां पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज योर अल्टीहाइड फंक्शनल ग्रुप अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सर जैसे यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यह कार्बन नंबर वन था लेकिन सर यहां पर तो आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बन है तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट द कार्बन दैट द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी शुड बी इंक्लूडेड शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन में हमें उसे इंक्लूड करना ही होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं इसे नंबर वन कार्बन नाम दूंगा मतलब यह फिक्स हो गया कि फोर ये फाइव या तो इसको सिक्स बोल लो या इसको सिक्स बोल लो वन इसको सिक्स बोल लेते हैं अब इसका नामांकरण कैसे करेंगे देखिए यहां पर आप खुद देखने वाले हैं कि एक तो पांचवे नंबर वाले कार्बन पर एक मेथाइल सब्सिट्यूएंट आ रहा है एक तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल सब्सिट्यूएंट आ रहा है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा थ्री कॉम फाइव डैश डाय मेथाइल एक दो तीन चार पांच छ हेक्सेन अब देखो हेक्सेन में से भी मैंने ई माइनस कर दिया और वन डाल के अल लिख दिया हेक्सेन वन अल क्योंकि अल्टी हाइट के लिए वी विल यूज अल क्या यह बात समझ में आई प्यारे बच्चों क्या यह चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है दिस वेरी मच इजी एंड अंडरस्टैंडेबल चलिए अगले फंक्शन ग्रुप की तरफ चलते हैं मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड आ जाता है कुछ इस प्रकार का देखो मैं आपको सारे कॉम्प्लिकेटेड टाइप ही करवा रहा हूं मतलब ऐसा मत समझना कि सर ये क्या करवा रहे हो भाई जो हम लोगों को आने प्रोबेबिलिटी रखते हो उसी टाइप के क्वेश्चन करके देखे तो मजा आए चलिए अब यहां पर बताइए ये कंपाउंड कैसे होगा अब यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड O जो है दिस इज आवर कीटोन फंक्शन ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप इधर आ गया और एक पूरा ये बड़ा सा अल्काइल ग्रुप ये, 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 ये एक दो तीन चार पांच छह कार्बन इधर आ गया लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है हमको सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करनी है हमको सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करनी है अब यहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी चूज करें वो चूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप हो तो वन टू थ्री फोर फाइव एक तो पांच कार्बन की चेन ये हो गई फिर एक पांच कार्बन की चेन वन टू थ्री फोर फाइव ये भी हो रही है लेकिन यहां पर अब आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट बताऊं देखो बड़ा अच्छा कंपाउंड निकल कर आया ही है ये समझते जरा इस कंपाउंड को प्रॉपर प्रॉपरली देखो अगर आप ये वाली लंबी कार्बन की चेन चूज करते हो ये पांच कार्बन वाली तो यहां पर आपके इस चेन के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप तो आ गया लेकिन ये एक अल्काइल ग्रुप एक और एकमात्र अल्काइल ग्रुप दिख रहा है अब अगर मान लो मैं इसे एक दो तीन चार पांच अगर मैं इसे पांच कार्बन की चेन चूज करूं तो इसके अंदर मुझे दो अल्काइल ग्रुप हैं ये और ये और याद करो हम लोगों ने ब्रांच अल्काइल ग्रुप का नॉमेन लेक्चर शायद इसी लेक्चर में सीखा था और उसमें मैंने बताया था कि आपको वो चेन चूज करनी चाहिए जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो तो चूज करनी ही करनी है लेकिन उस पर्टिकुलर चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिट्यूंट होने चाहिए। तो ये सीधी के अंदर मुझे कार्बन की चेन में दो सब्सिट्यूंट मिल रहे हैं। तो मैं ये करूंगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नंबर वन नाम दूंगा टू नाम दूंगा सर आपने इसको नंबर टू नाम क्यों दिया बेटा क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पर आ ही नहीं सकता ऐसे तो ही नाम देना पड़ेगा फिर ये हो जाएगा आपका थ्री ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा फाइव अब इसको लिखेंगे कैसे भाई देखो तीसरे नंबर वाले कार्बन पर आपको इथाइल दिख रहा है तो इसका नाम हो जाएगा थ्री इथाइल फिर चौथे नंबर वाले कार्बन पर मुझे मेथाइल दिख रहा है तो फोर मेथाइल सो थ्री इथाइल फोर मिथाइल पांच कार्बन की चेन है इसलिए पेंटेन ई माइनस कर दिया यहां पर लगा दिया टू और यहां पर लगा दिया ओ एन ई -E, पेंटेन टू ऑन ठीक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों कोई परेशानी पक्का हंड्रेड परसेंट क्लियर कोई भी परेशानी देख लो आराम से देख लो ताकि हम आगे बढ़े चलिए एक क्वेश्चन ये वाले कंपाउंड का करके देखते सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एच टू अब इस कंपाउंड का क्या नॉमिन क्लेचर होगा चलो अभी मैं यहां से CL हटा देता हूं क्योंकि ना अभी थोड़ा सा लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेकर मेरे साथ में परेशानी हो सकती है इसलिए अभी मैं आपके साथ में ये वाला कंपाउंड लेता हूं अभी मैंने यहां से सीएल हटा दिया अभी एक रूल सिखाऊंगा ना फिर उसके बाद यह करवाऊंगा हाँ अब ये देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू सी एन या तो ये पांच कार् एक दो तीन चार पांच या तो इसकी चेन चूज कर लो या एक दो तीन चार पांच चूज कर लो चलो कोई भी चूज कर लो मैंने ये वाली चूज कर ली ठीक है अब यहां पर क्या होगा नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फाइव ठीक है तीसरे नंबर वाले कार्बन पर इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा थ्री इथाइल पांच कार्बन की चेन है इसका नाम हो जाएगा पेंटेन क्या नाम हो जाएगा पेंटेन पर यहां पर आप देखोगे कि मैंने ई लगा दिया और वन यहां पर मैंने लिख दिया नाइट्राइल क्योंकि सीएन का प्रीफिक्स नेम होता है नाइट्राइल अभी मैंने आपको सिखाया सर आपने यहां पर ई क्यू लगाया <coughs> ध्यान रखना टू वॉवेल्स टू वॉवल्स कैन नॉट बी रिटर्न टुगेदर cannot be written together therefore e therefore e from primary suffix therefore e from primary suffix is removed therefore e from primary suffix is removed when the functional groups secondary suffix starts from a आई ओ यू आपका जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसका सफिक्स नेम एयू यानी बॉवेल से शुरू होता है जैसे अल्कोहल का ओ अल्टीहाइड का अल कीटोन का ओन कार्बोक्सिलिक एसिड का ओक एसिड अगर ये ए आई ओ यू से शुरू हो रहे हैं तो हमें प्राइमरी सफिक्स में से ई को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी सफिक्स का नाम एन ईन और आइन तीनों ई पर एंड होते हैं और A, e, I, o, ए ई आई ओ यू के हिसाब से ई भी एक वॉवेल है तो जो आपके प्राइमरी सफिक्स का एन ईन आइन है इनके नाम ई पर खत्म होते हैं और अल्कोहल का ओल ओ से स्टार्ट हो रहा है अल्डीहाइड का अल ए से स्टार्ट हो रहा है कीटोन का ओन ओ से स्टार्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड ओ से स्टार्ट होता है।, हो है तो ई और ओ ई e और ए एक साथ नहीं लिखे जा सकते भले ही बीच में नंबर आ रहा हो यह तो केवल पोजीशन दर्शाता है लेकिन टेक्निकली तो दोनों साथ में लिखने पड़ रहे हैं इसीलिए हमको प्राइमरी सफिक्स में से ई हटाना पड़ रहा है लेकिन जब आप सी एन की बात करते हो सी एन का नाम तो नाइट्राइल है सी एन का नाम तो नाइट्राइल है और नाइट्राइल स्टार्ट विध एन और एन वोवेल नहीं है तो इसीलिए एन के साथ में हम ई यहां पर लगा सकते हैं तो यह बात का ध्यान रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों के सामने निकल कर आया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ कंपाउंड में आपको यहां पर नोमिनट करना सिखाता हूं सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ सी एच थ्री अब सर ये क्या आ गया यार ओ ये तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है उ, ये तो इथर दिखाई दे रहा है आर ओ आर उ, ये तो ईथर है अब यहां पर ईथर का नॉमेक्लेचर सब लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ईथर को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है ईथर का हमेशा प्रीफिक्स नेम जो होता है वो होता है एलकॉक्सी और फिर यहां पर बाद में लगा दिया जाता है अल्केन। तो यहां पर इसको लिखने का मतलब यह है कि जो अल्केन आया ये अल्केन इज योर पेरेंट चेन ये अल्केन जो है ये आपकी पेरेंट चेन है यानी आपको एक ऐसी चेन चूज करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो वो दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये जो ऑक्सी है दिस ऑक्सीजन इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ए एल के मतलब ये ऑक्सीजन आपके अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन बिकम अल्काक्सी तो अब यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के इधर एक सी एच थ्री जुड़ा हुआ है लेकिन ऑक्सीजन के इधर आप देखो एक तीन कार्बन की चेन है ये देखो तो अब आप बताओ एक कार्बन बड़ा कि तीन कार्बन बड़े डेफिनेटली तीन कार्बन बड़े तो इस हिसाब से ये बन गया हमारा पेरेंट चेन ये बन गया हमारा पेरेंट चेन तो इस हिसाब से ये बन गया हमारा अल्काइल ग्रुप तो अब इसको लिखेंगे कैसे भाई अब टेक्निकली ये ओ जो है यही आपका फंक्शनल ग्रुप है ईथर वाला तो अब आपको लॉन्गेस्ट चेन पे नंबरिंग करनी पड़ती है तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन पे नंबरिंग करेंगे तो ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा मतलब दूसरे नंबर वाले कार्बन पर दूसरे नंबर वाले कार्बन पर आपका ये अल्काइल प्लस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये पेरेंट चेन हो गई और ये दोनों मिलाकर ऑक्सीजन एंड सी मिलाकर बन गया तुम्हारा अलकॉक्सी ग्रुप ये बन गया तुम्हारा अलकॉक्सी ग्रुप क्या है बात समझ में आई अब इसको लिखेंगे कैसे भाई ये तो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा अब ये अल्काइल ग्रुप ए एल के अलकोक्सी अल्काइल ग्रुप क्या है सर एक कार्बन वाला है यानी मिथाइल तो मिथाइल विल बिकम मिथ क्यों क्योंकि जब आपने नाम लिखा तो आपने यहां पर क्या करा आपने यहां पर आपका जो अल्काइल नेम था अल्काइल में से आपने वाई एल माइनस कर दिया और आपने उसमें ऑक्सी एड कर दिया तो ये बन गया वैसे ही जब आपके पास यहां पर मिथाइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप तो ग्रुप में से आप वाई एल माइनस कर दीजिए और ओ एक्स वाई एड कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेथॉक्सी सो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एस वन मेथॉक्सी सर वन किस बात के लिए आपको यहां पर टू लिखना पड़ेगा मेरे भाई टू सर, टू मेथोक्सी क्यों क्योंकि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर -C -C जुड़ा हुआ है सो दैट इज तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन क्या यह बात समझ में आई सो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एस टू मेथोक्सी प्रोपेन हमेशा ध्यान रखना ईथर्स को इसी प्रकार नॉमिनट किया जाएगा ईथर्स को हमेशा इसी प्रकार नॉमिन किया जाएगा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को वी शुड बी नोइंग दिस फंडा क्योंकि ये इलेवेंथ में केवल टेबल के अंदर दे रखा है इसको कोई जनरली कराता नहीं है ठीक है चलिए सी एच थ्री सी एच सी एच टू एच थ्री सी एच टू सीओ एच हाउ विट दिस कंपाउंड क्लियरली दिख रहा है साहब मेरे को कि ये एक दो तीन चार पांच ये पांच कार्बन की लंबी चेन हो गई नंबरिंग डेफिनेटली हमारे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल कोई भी आपका फंक्शन ग्रुप हो वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी पेरेंट चेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करेगा हमें इसे यहीं से उठाना पड़ेगा So, इस कंपाउंड को हम लोग लिखेंगे पांच कार्बन की चेन है और तीसरे नंबर वाले कार्बन पर आप देखें एक सब्सिटुएंट पड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा थ्री मेथाइल पांच कार्बन की चेन है इसलिए पेंट एक दो तीन चार सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन ई हमको यहां से हटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका प्रीफिक्स नेम इज ओइक एसिड और ओइक का ओ स्टार्ट विथ ओ विच इज अ वोवेल तो ये थ्री मिथाइल पेंटेन वन ओइक एसिड हो गया ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी देख लीजिए ध्यान से अच्छा अगला कंपाउंड में आपको करवाता हूं देखो अब ये कंपाउंड में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को सीएच थ्री सी एच टू सी एच टू ओओ निगेटिव एन ए पॉजिटिव अब इस कंपाउंड का नॉमिन क्लेचर क्या होगा सर ये तो आपने फंक्शन ग्रुप सिखाया ही नहीं अरे ऐसे कैसे नहीं सिखाया जरा पीरियोडिक टेबल वाली टेबल देखो मैंने आपको वहां पढ़ाया था कार्बोक्सिलेट आयन सी ओ नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन सिखाया है मैंने आप लोगों को सिखाया है तो ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन हो गया मतलब ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन चार कार्बन की लंबी चेन हो गई तो चार कार्बन की लंबी चेन तो हो गई लेकिन आगे ये जो सोडियम लग गया सर इसका क्या करें इसको ऐसा का ऐसा लिख दो इसको आप आगे आगे ऐसा का ऐसा लिख दो सोडियम भाई सोडियम जुड़ा हुआ है ना सोडियम अब सोडियम आपका प्रीफिक्स में आ गया ये सब्सिटूएंट हो गया ना सोडियम क्या हो गया सोडियम एक प्रकार का सब्सिट्यूएंट हो गया भाई मेटल जो होता है वो मेटल हमेशा सब्सिट्यूएंट के तौर पर गिना जाएगा अब चार कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट चारों कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन और बाद में इसका सफिक्स नेम क्या होता है ओ ए टी ओ एट तो सोडियम ब्यूटेनो एट अब देखो मैंने एन में से ई हटा दिया केवल ओ ए टी लग दिया उसका नाम क्या लिख दिया मैंने सोडियम ब्यूटेनो एट सोडियम ब्यूटेनोएट ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी पक्की बात आगे बढ़े चलिए अगला कंपाउंड देखते सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच टू सी एच अब इस कंपाउंड को देखो अरे यार सर अब ये कैसा कंपाउंड है अरे सर 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 एक आर ये दिख रहा है एक आर ये दिख रहा है और एक COO दिख रहा है तो सर कहीं ये आर सी ओ आर यानी कि कहीं ये सीओ आर यानी कहीं ये ईस्टर तो नहीं तो जी हां ये आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ही है यह आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ही है अब इसके लिए क्या करेंगे वही ईथर वाला सेम रूल ईथर वाला सेम रूल आप देखेंगे कि आपका यह जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ ग्रुप है दिस कार्बन इज अटैच टू दिस कार्बन इज अटैच टू द चेन दिस कार्बन इज अटैच्ड कार्बन इज अटैच टू द चेन शुड बी पेरेंट शुड बी योर पेरेंट चेन शुड बी योर पेरेंट चेन क्यों देखो सर सीधी सी बात है कि ये जो दो कार्बन है ये दो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए कोई सेंस ही नहीं बनाता ऑक्सीजन से जुड़ना भाई सी ओ ओ ये जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर इसका कार्बन किससे जुड़ा हुआ है इधर वाली चेन से तो ये पहला कार्बन ये दूसरा बनेगा ये तीसरा बनेगा ये चौथा बनेगा यहां पर लंबी कार्बन की चेन का कोई रोल नहीं है पहले ही बता दू मैं कोई लंबी कार्बन की चेन का रोल नहीं अगर यहां पर ज्यादा कार्बन भी होते तो भी मैं उसको पेरेंट चेन नहीं मान पाता क्योंकि ये कार्बन इधर साल कार्बन से जुड़ा हुआ है चलो ठीक है अब ये हो गया अब ये तुम्हारा सब्सिट्यूएंट बन गया तो तीन दो कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल अब यहां पर सर आपने इथाइल के आगे कोई नंबर क्यों नहीं लिखा भाई नंबर लिखूंगा कैसे क्योंकि ये का, जो इथाइल ग्रुप है ये कार्बन से नहीं ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की नंबरिंग करने का कोई सेंस ही नहीं है सबको अंडरस्टैंडेबल है कि इथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, हुआ इथाइल एक दो तीन चार चार कार्बन की चेन इसलिए ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन प्लस ओ ए टी तो जाएगा इथाइल ब्यूटेनोएट इथाइल ब्यूटेनोए इथाइल ब्यूटेनोएट समझ गए समझ गए प्यारे बच्चों ठीक है कोई परेशानी चलिए एक फंक्शनल ग्रुप और यहां पर डिस्कस करते हैं मान लीजिए आपके पास आ जाए सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एल चलो मान लो ये कंपाउंड आ जाए अब ये क्या है अब ये कंपाउंड क्या है सर ये तो सी एक्स दिख रहा है मेरे को जैसे सीओ एक्स सीओ एक्स मतलब आपका असाइल हेलाइड सीओ एल मतलब आपका क्या हो गया ये आपका असाइल हेलाइड हो गया तो एक दो और तीन कार्बन की चेन है इसलिए तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वन ओइल क्लोराइड प्रोपेन वन ओइल क्लोराइड या आप जनरली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोपेनोइल प्रोपेन ऑयल क्लोराइड प्रोपेन ऑयल क्लोराइड यू कैन सिंपली कॉल्ड इट प्रोपेन ऑइल क्लोराइड ठीक है कोई दिक्कत चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं मान लीजिए आपके पास में कौन से नंबर का आ गया अरे कितने कंपाउंड प्रैक्टिस कर लीजिए आ रहा बारहवें नंबर का मान लो कंपाउंड आ जाए आपके पास में सी एच थ्री सी एच टू सी एच एन एच टू सी एच टू सी एच थ्री अब यहां पर क्या होगा भाई सबसे लंबी कार्बन की चेन ये चूज करनी पड़ेगी क्योंकि इसी से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तीसरे नंबर वाले कार्बन से आप देखो कहीं से भी नंबरिंग करोगे इधर से करोगे या उधर से करोगे तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ही अटैचमेंट होगा तो इसका नाम हम लिखेंगे पेंट सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन थ्री अमाइन अब यहां पर मैंने ई e क्यू हटाया क्योंकि यहां पर अमाइन इज स्टार्टिंग विद ए पेंटेन थ्री अमाइन पेंटेन थ्री अमाइन ठीक है ठीक है अच्छा अब इसके अंदर एक और कंपाउंड में आपको अगर बताऊं मान लो ये हो गया सी एच थ्री ये हो गया सी एच यहां पर आ गया तुम्हारा एन और एन से इधर एक सी एच थ्री कनेक्टेड है एक एच कनेक्टेड है ये हो गया सी एच टू ये हो गया सी एच थ्री अब इस वाली कंडीशन में नाम कैसे लिखेंगे अब इस वाली कंडीशन में नाम कैसे लिखेंगे यहां पर देखो अगेन सबसे लंबी कार्बन की चेन यही वाली है भाई नाइट्रोजन से दो ग्रुप जुड़े हुए आपके इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन से दो ग्रुप जुड़े हुए एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है इसके पास है तो ये बन जाएगी आपकी पेरेंट चेन अब नाम कैसे लिखा जाएगा मतलब मैं यहां से इसको नंबरिंग भी कर दूंगा वन टू थ्री फोर तो चार कार्बन के लिए ये ब्यूटेन हो जाएगा ब्यूटेन के दूसरे नंबर वाले कार्बन पर आपका अमाइन जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेन टू अमाइन तो हो जाएगा सब कुछ कूल है ये मैं कैसे लिखूंगा यानी ये मिथाइल ग्रुप कैसे लिखूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा एन और एन के आगे मैं लगाऊंगा मिथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन टू अमाइन। सर वाई यू अप एन दिस एन शोस दिस एन शोस दिस एन शोस दैट योर मिथाइल ग्रुप योर मैथाइल ग्रुप इज अटैच टू द नाइट्रोजन ऑफ दाइन फंक्शनल ग्रुप क्या बात समझ में आई इसे इसको एन मिथाइल व्यूटेन टू अमाइन बोलेंगे यह आपकी एनसीआरटी में भी नहीं दिया हुआ है इसीलिए मैंने इसको कराना ज्यादा बेहतर समझा ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीक है चलिए फोर्टीन वाले किमपुंड की तरफ चलते हैं सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सर ये तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया सर ये तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया हाँ तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप ही है और अमाइड फंक्शनल ग्रुप का ये वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बनेगा इसीलिए हम इसे सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करेंगे नंबरिंग डेफिनेटली फॉर श्योर बिना किसी टेंशन के इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर गेट ऑन द डेंस फ्लोर ठीक है चौथे नंबर वाले कार्बन पर अब मिथाइल आ गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम लिखेंगे फोर मिथाइल हेक्जेन अब हेक्जेन के बाद हम ई e हटाएंगे क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू इज अमाइड तो हेक्जेन अमाइड अब यहां पर आप चाहें तो हेक्जेन वन अमाइड भी लिख सकते हैं या नॉर्मल हेग्जेनाइड भी लिख सकते हैं क्योंकि जनरली मोस्टली ये यहां पर पहले कार्बन पर ही होगा अब मान लो कभी इसके अंदर भी लफड़ा आ जाए मान लो कभी इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ लफड़ा आ जाए सी एच थ्री सी एच टू C डबल बॉन्ड O NH और यहां पर सी एच थ्री आ जाए आप क्या करेंगे कुछ नहीं वही ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O वाला जो तुम्हारा ग्रुप है ये सबसे लंबी कार्बन की चेन बना रहा है तो नंबरिंग हम इसे वन बोलेंगे इसे टू बोलेंगे इसे थ्री बोलेंगे तो अब ये मिथाइल कैसे लिखोगे आप लिखोगे एन मिथाइल फिर एक दो तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन ना माइड एन मिथाइल प्रोपेना माइट तो एन मिथाइल से हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो नाइट्रोजन वाला एन है एन इज फॉर नाइट्रोजन उस पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और इस तरीके से चीज काम कर रही है ठीक है कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा सीएच थ्री सी एच टू C डबल बॉन्ड O, N, CH2, CH3, टू सी एच थ्री सी एच थ्री भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है अमाइड ग्रुप की तो क्या करेंगे कुछ नहीं तो भी हम इसे वन बोलेंगे इसे टू बोलेंगे इसे थ्री बोलेंगे ये हमारी पेरेंट चेन हो गई अब हम यहां लिखेंगे N, N के बाद क्या लिखेंगे N पर क्या जुड़ा हुआ अल्फाबेटिकली पहले N इथाइल कॉमा N डैश मिथाइल फिर तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन माइट या आप एन इथाइल एन मिथाइली लिखेंगे क्योंकि एन डैश लगाने की जरूरत है दोनों एक ही कार्बन पर तो है तो हम समझ जाएंगे नाइट्रोजन पर इथाइल भी है नाइट्रोजन पर मिथाइल भी है और प्रोपेनामाइड विल बी द आंसर समझ गए बात को कोई प्रॉब्लम इतने के अंदर किसी भी तरीके की पकी चीज हंड्रेड परसेंट क्लियर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड की तरफ सेवेंटींथ कंपाउंड की तरफ मान लिया अगर उसमें कंपाउंड आ जाए सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री टू। तो अगेन सबसे कार्बन की चेन एक दो तीन चार, चार, चार तो बाप रे बाप ये है भाई साहब सबसे लंबी कार्बन की चेन देखो पांच कार्बन एक दो तीन ये सिलेक्ट कर लेते चार कार्बन की पर ये करना नहीं है गलती हो जाएगी वरना और गलती हुई कि गए नंबर खटाक से कट जाएंगे वन टू थ्री फोर पांच कार्बन की चेन तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मेथाइल तो इट विल बी कॉल्ड एज थ्री मेथाइल वन टू थ्री फोर फाइव पांच कार्बन की चेन इसलिए पेंटेन टू, नाइट, नहीं, पर अब यहां पर, एनो टू तो हमेशा प्रीफिक्स में आता है एनो टू तो हमेशा प्रीफिक्स में आता है तो यहां पर नाम ऐसे नहीं लिखा जाएगा अब यहां पर दिस ग्रुप इज मिथाइल दिस ग्रुप इज नाइट्रो तो एल्फाबेटिकल चलना पड़ेगा यानी पहले आएगा तो हम लिखेंगे थ्री मेथाइल डैश टू नाइट्रो भले ही यह फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यह तो हमेशा प्रीफिक्स में आता है और पांच कार्बन की चेन होने की वजह से हम इसको सिंपल लिखेंगे पेंटेन तो थ्री मिथाइल टू नाइट्रो पेंटेन विल बी योर आंसर ठीक है कोई दिक्कत और अब हम यहां पर बात करेंगे आर एस ओ थ्री एच ग्रुप की दैट इज योर सल्फोनिक एसिड ग्रुप तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप का हमेशा नाम हमें लिखना पड़ेगा आर इज योर अल्काइल प्लस एसओ थ्री एच ग्रुप आपका जो प्रीफिक्स है दैट इज योर सल्फे एसिड या आप इसको नॉर्मली सल्फोनिक एसिड बोल लो आप इसको नॉर्मल सल्फोनिक एसिड बोल लो तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एसओ थ्री एच अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन ये तीन कार्बन की चेन हो गई इसमें हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपाइल हम इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड प्रोपाइल क्योंकि तीन कार्बन इस प्रोपाइल और एसो थ्री एच इज योर प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड ठीक है कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इट पक्की बात हंड्रेड परसेंट क्लियर अब सर ये सब तो चलो सारे फंक्शनल ग्रुप आपने सिखा दिए मतलब मच्छा लाइफ जी ली हमने मजा आ गया एकदम मजा आ गया मतलब कोई टेंशन ही नहीं रही लाइफ में लेकिन सर एक बात बताओ वो फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नाम फिर क्यों पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट रूल लिखो अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट रूल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल आई वुड से रूल ये रहेगा दैट इफ मोर देन इफ मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इफ मोर देन one type of functional group is present in a compound in a compound in a compound then one of them then one of them should be then one of them should be considered should be considered as the primary functional group and its name and its name should be and its name should be written in suffix in suffix while rest of the others while rest of the other functional group becomes substituent very important point it becomes सब्स्टिटूएंट्स एंड आर रिटर्न एंड आर रिटर्न इन प्रिफिक्स पॉइंट समझ में आया मतलब अगर आपके एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हों और वो फंक्शनल ग्रुप जो एक से ज्यादा टाइप के हैं अगर वो अलग अलग टाइप के हों यानी अल्कोहल भी आ जाए अल्टीहाइट भी आ जाए कीटोन भी आ जाए तो अल्टीहाइट अल्कोहल या कीटोन में से कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा यानी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि जब फंक्शनल ग्रुप आपके हाइड्रोकार्बन से कनेक्ट करता है तो हाइड्रोकार्बन की सारी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग कर लेता है तो अब अगर मान लो आपके पास में एक हाइड्रोकार्बन पर एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो उन तीनों में से सबसे ज्यादा दमदार कौन होगा डोमिनेट कौन करेगा तो जो डोमिनेट करेगा वो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आपको उसका नाम सफिक्स में लिखना पड़ेगा मतलब कि वो जो फंक्शनल ग्रुप जो जीता है जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है आपका वो पर्टिकुलर कंपाउंड उसकी फैमिली को बिलोंग करेगा जैसे अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ये तीनों एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जिसमें अल्कोहल भी है अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है ये किसकी होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेगा ये किसकी फैमिली को बिलोंग करेगा क्या हम इसे कीटोन कंपाउंड में रखेंगे क्या हम इसे अल्कोहल कंपाउंड में रखेंगे या हम इसे अल्टीहाइड कंपाउंड में रखेंगे तो हम जवाब देंगे कि इन तीनों में से जो डोमिनेटिंग होगा ये उसकी फैमिली को बिलोंग करेगा तो ये जिसकी फैमिली को बिलोंग करेगा उसका नाम सफिक्स में आएगा क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स शो करता है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप टाइप ऑफ फैमिली तो मान लो अल्टीहाइड यहां पर जीत गया तो अल्डीहाइड आ जाएगा आपके सफिक्स में तो फिर अल्कोहल और कीटोन के नाम को कैसे लिखेंगे अल्कोहल और कीटोन अब फंक्शनल ग्रुप तो रहे नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो जीत गया अल्टीहाइट तो अब कीटोन अल्कोहल क्या करेंगे अब ये बन जाएंगे नॉर्मल एक आम इंसान की तरह सब्सिट्यूएंट जिस प्रकार अल्काइल ग्रुप एक नॉर्मल सब्सिटूएंट है अब आपका अल्कोहल और कीटोन भी एक नॉर्मल सब्सिटूएंट की तरह एक्ट करेंगे और इन्हें हम नाम के पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे क्या बात समझ में आ गई सो बाकी के फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स में ठीक है अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि किसे प्रायोरिटी देनी है कौन सा फंक्शनल ग्रुप जीतेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप हारेगा तो हमें यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है तो ध्यान रखना दुनिया का हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा गुंडा है सीओ यानी अगर फंक्शनल ग्रुप में सीओ मौजूद है तो यह सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आएगा इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलती है एसओ थ्री एच को उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलती है COOR को समझ में आ रही है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद आपका सल्फोनिक एसिड उसके बाद आपके ईस्टर्स ईस्टर्स के बाद मिलती है सीओ एक्स को यानी आपके असाइल को असाइल को मिलती है अगली प्रायोरिटी उसके बाद मिलती है प्रायोरिटी आपके अमाइट को उसके बाद मिलती है आपके अमाइट को यानी आप देखो ये सीओ एच फैमिली के मेंबर ही उत्पाद मचा रहे सबसे ज्यादा पावरफुल इनके पापा सीओ एच फिर सीओ एच में से एच हटके आर लग गया तो ईस्टर आर हट के मतलब ओ आर हट के अगर एक्स लग गया ओ आर हट गया और एक्स लग गया तो एसाइल हैलाइड फिर एक्स हट के एन एच 2 लग गया तो अमाइड मतलब ये ससुर कार्बन वाले सभी उत्पाद मचा रहे साले चुप ही नहीं बैठ रहे अच्छा ये सब हो जाने के बाद केवल सीएन मतलब अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटा दो तो सीएन फिर इसके बाद तुम्हारा सी एच ओ एल्डिहाइड फिर तुम्हारा कीटोन फिर तुम्हारा कीटोन अल्डिहाइड हो गया फिर तुम्हारा कीटोन आ गया फिर कीटोन के बाद आपका अल्कोहल आया बेचारा देखो कितना नीचे अल्कोहल देखो आपका कितना नीचे अल्कोहल के बाद आ गया आपका लास्ट में एनएच टू फिर एनएच टू के बाद आ गया आपका डबल बॉन्ड यानी अल्किन और फिर आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन याद करो मैंने अभी वाली क्लास में बताया है। ये लेक्चर जो आप देख रहे हो जब मेरे कपड़े दूसरे पहन रखे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही कंपाउंड में अल्किन और अल्काइन हो तो अल्किन जीतेगा तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया अच्छा यहां पर ध्यान रखना इन प्रायोरिटी ऑर्डर या इन प्रायोरिटी लिस्ट इन प्रायोरिटी लिस्ट इन प्रायोरिटी लिस्ट नेवर कंसिडर नेवर कंसिडर दोज फंक्शनल ग्रुप्स who are always who are always which are sorry those functional groups which are always written which are always written in prefix yani ki agar ek compound ke andar alcohol bhi hai aur halogen bhi hai ek compound ke andar alcohol bhi hai और halogen भी है तो halogen को कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं alcohol को इज्जत दो तो alcohol और हेलोजन में अल्कोहल जीतेगा हेलोजन ग्रुप और ईथर्स ये तीनों ऐसे फंक्शन ग्रुप है जो हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं इसलिए इनको कभी प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा नहीं जाता समझ में ही बात आप लोगों को आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट क्या ये चीज हमको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही है क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत तो नहीं आ रही है चलिए एक एग्जाम्पल करके मैं आपको बताता हूं

चलो इस कंपाउंड को नॉमेन कले चूरे करोगे आप इसका भाई यहाँ पर आपको तीन फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं सर कौन कौन से एक तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एक तुम्हें दिख रहा है अल्कोहल और एक तुम्हें दिख रहा है कीटोन लेकिन बात यह है कि इन सबके पापा कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी मिलेगा वन फिर ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा फोर और यह हो जाएगा फाइव पांच कार्बन की चेन अब इनका नाम कैसे लिखेंगे देखो सीधी सी बात है कि प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सी ओ एच जीत जाएगा मतलब आप OH, o, ये सब आपके हो। तब टोटल कितने देखो एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है ये दो हो होगा अभी आपका ओ OH, एच क्या फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा नहीं अब ये भी बन गया आपका सब्सटीटूएंट क्या आपका ये जो कीटोन है कीटोन तीसरे नंबर वाले कार्बन पर जो कीटोन है क्या ये फंक्शनल ग्रुप रह गया नहीं ये भी सब्सिटूं बन गया क्योंकि अब ये बन गया आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो अब नाम कैसे लिखेंगे ओ OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी सी डबल बॉन्ड ओ का प्रिफिक्स नेम होता है ऑक्सो और ये मिथाइल तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एच पहले आता है तो हम लिखेंगे टू हाइड्रोक्सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम आता है फिर तो एम आ जाएगा आपका टू कॉम ऑफ फोर क्योंकि दूसरे पे और चौथे पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है डाय मिथाइल लिखना ना भूलें डाई लगाना ना भूलें क्योंकि प्रीफिक्स है मिथाइल फिर आपके तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप है कीटोन्स का जो कीटोन होते हैं उसका प्रीफिक्स नेम ऑक्सो होता है ऑक्सो और पांच कार्बन की चेन है इधर लिखेंगे पेंट एन वन और कार्बोक्सिलिक एसिड जीत चुका है इसलिए ओइक एसिड टू हाइड्रोक्सी टू डायमेथाइल थ्री ऑक्सो पेंटेन वन ओइक एसिड क्या चीज क्लियर होती है इस तरीके से आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा ठीक है अच्छा अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री अब यहां पर आप देखो यह इक्विडिस्टेंस हो गया यहां से भी नंबरिंग करो या यहां से भी नंबरिंग करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है पहला अल्कोहल है दूसरा ब्रोमीन है तो आप यहां से नंबरिंग 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 करोगे करोगे या से से सब कुछ सेम सेम पड़ेगा यानी इनका जो सम आएगा का वो सेम रहेगा तो क्या हम कहीं से भी शुरू कर देंगे नहीं हम यहाँ से नंबरिंग कभी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्रायोरिटी लिस्ट में कौन जीता अल्कोहल जीता तो अल्कोहल जीतेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा इसलिए ये कहलाएगा आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और अब ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि एक सब्सिटूए की तरह अपनी लाइफ काटेगा तो यहां पर पांच कार्बन में चौथे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है तो हम बोलेंगे फोर ब्रोमो एक दो तीन चार पांच दैट इज पेंट एन दूसरे नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है तो पेंटेन टू ऑल फोर ब्रोमो पेंटेन टू ऑल समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात आप लोगों को कोई परेशानी अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपके पास में कंपाउंड आ जाएगा सी एच थ्री सी एच एनो टू सी एच टू सी एच सी एल सी एच थ्री अब यहां पर आप देखो डेफिनेटली ये हो गई आपकी पांच कार्बन की चेन इसमें आपके पास में एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है और एक क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि ना तो नाइट्रोसफिक्स में जाएगा ना क्लोरोसफिक्स में जाएगा तो फिर नंबरिंग कहां से शुरू करें तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में वेन बोथ फंक्शनल ग्रुप आर एट इक्विडिस्टेंस आर एट इक्विडिस्टेंस देन एल्फाबेटिकली न एल्फाबेटिकली देफाबेटिकली प्रेफरेंस शुड बी गिवन एल्फाबेटिकली प्रेफरेंस शुड बी गिवन आपको यहां पर एल्फाबेटिकली प्रेफरेंस इन्हें देना पड़ेगा क्या यह बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत तो यहां पर नाइट्रो और क्लोरो दोनों ही फंक्शन रूप है दोनों ही प्रिफिक्स मारे तो फिर किसको जीताएं फिर हम जिताएंगे उसको जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा समझ में आ रही है और लोवेस्ट नंबर रूल भी फॉलो करेंगे इन केस ऑफ इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर इन प्रिफिक्स विच आर कैप्ट इन प्रिफिक्स ओनली विच आर कैप्ट इन प्रिफिक्स ओनली जिन्हें आप केवल प्रिफिक्स में लगाओगे उसी लिए है तो इसका नाम क्या जाएगा एक दो तीन चार पांच तो नाम क्या लिखेंगे दूसरे नंबर वाले कार्बन पर क्लोरो है सो टू क्लोरो चौथे नंबर वाले कार्बन पर नाइट्रो है नाइट्रो फिर ये हो जाएगा पेंटेन टू क्लोरो फोर नाइट्रो पेंटेन क्लियर होता है क्लियर होता है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ चलते हैं और कुछ लास्ट के एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एच टू सॉरी यहां पर शुड शुड बी सी एच ओ एच देन सी एच ओ एच एंड अब मुझे एक बताओ, ये हो आपकी पांच कार्बन की लंबी चेन this is your कार्बन की लंबी चेन अब इसके अंदर एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है अब क्या करें अब कुछ नहीं कर सकते कहीं से भी फंक्शनिंग कहीं से भी नंबर चालू करो कहीं से भी नंबरिंग चालू करो कोई फर्क नहीं पड़ता तो दूसरे और चौथे नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है तो हम नाम लिखेंगे पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन फिर हम लिखेंगे टू कॉमा फोर क्योंकि दूसरे और चौथे नंबर वाले पोजिशन पर क्या है अल्कोहल तो दो अल्कोहल है तो इन दो अल्कोहल के लिए प्रिफिक्स क्या लगेगा डाय और ओल जैसा मैंने आपसे कहा था सारे के सारे रूल्स से सेम है टू कॉमा फोर डायऑल अच्छा अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये सिंगल बॉन्ड पर ही अटैच्ड हो कभी आप लोगों को यह फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी तो नजर आ सकते हैं ये अब यहां वाली कंडीशन में नंबरिंग कहां से चालू करोगे क्या इसे वन कार्बन बोलोगे या इसे वन कार्बन बोलेंगे देखो जरा प्रायोरिटी लिस्ट देखो सर प्रायोरिटी लिस्ट में ओ OH एच और ट्रिपल बॉन्ड में ओ OH एच बहुत पहले आ गया मतलब वो जीत गया तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से मुझे नंबरिंग यहां से शुरू करनी पड़ेगी ताकि मेरे ओ OH एच नाम के फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर वाला कार्बन मिले सेकेंड नंबर वाला अगर मैं यहां से शुरू करता तो यहां से मेरे ओ एच को तीसरा नंबर मिलता मुझे बड़ा नंबर चाहिए ही नहीं मुझे तो छोटा नंबर चाहिए इसलिए मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा ही नहीं तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखूंगा अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड तो कभी प्रिफिक्स में नहीं जाएगा ट्रिपल बॉन्ड तो हमेशा सफिक्स में जाएगा पर यह ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स में जाएगा समझ रहे हैं और ये जो OH है ये आपके सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा तो अब इसको लिखेंगे कैसे देखिए हम यहां पर चार कार्बन के लिखेंगे पहले ब्यूट अब ब्यूट में मुझे बताना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहां है तो पहले मैं लिखूंगा ब्यूट थ्री इन ब्यूट थ्री इन क्योंकि आप लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे रूट नेम रूट नेम के बाद आप लोग जोड़ेंगे प्राइमरी सफिक्स फिर प्राइमरी सफिक्स में से आप ई e माइनस करके उसके बाद जोड़ेंगे यहां पर सेकेंडरी सफिक्स तो मैंने प्राइमरी सफिक्स जोड़ दिया मैंने बोल दिया तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो ईन e नहीं आएगा यहां पर आएगा वाइन वाई एन ई -E, फिर मेरे को ई e हटाना पड़ेगा ई e क्यों हटाना पड़ेगा ई e इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है उसका ओल से स्टार्ट हो रहा है तो ब्यूट थ्री आईन टू ऑल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट थ्री आइन टू ऑल ब्यूट थ्री आइन टू ऑल क्या यह बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छा अब कभी कभी साइक्लो कंपाउंड में भी रिस्क आ जाती है देखो अब साइक्लिक कंपाउंड में भी यार गेम खेल लेते हैं मान लो साइक्लिक कंपाउंड और यहां पर एक ओ OH एच है, है और यहां एनो टू है ओ एच भी, OH भी है अकॉर्डिंग टू प्रिफरेंशियल रूल ओ एच जीतता है डबल बॉन्ड पे ओ OH एच डबल बॉन्ड पे जीतता है इसलिए हम इसे नंबर वन कार्बन देंगे इसे टू नंबर का कार्बन देंगे इसे थ्री नंबर का कार्बन इसे फोर इसे और इसे सिक्स नंबर का कार्बन देंगे अब नाम कैसे लिखेंगे नाम लिखेंगे क्योंकि छह कार्बन की चेन है और ये डबल बॉन्ड कभी प्रीफिक्स में नहीं जाता यहां पर अल्कोहल आपका प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है इसलिए ये भी कभी प्रीफिक्स में नहीं जाएगा तो यहां पर इसका नाम हम लिखेंगे साइक्लो साइक्लो के बाद हम लिखेंगे हेग्स हेक्स के बाद हम लोग लिखेंगे दूसरे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन और पहले नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है इसलिए ओल और मैंने इन में से ई माइनस कर दिया तो टू इन वन, वन साइक्ल ग्रुप कभी आता इट इज ऑलवेज ऑलवेज रिटर्न इन प्रिफिक्स तो ऐसी कंडीशन में आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्रेफर करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कभी प्रिफिक्स में नहीं आता मतलब ये तो प्राइमरी है तो अगर आपके पास में एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसका नाम सफिक्स में पॉसिबल है तो उसे आप डबल बॉन्ड पर प्रफर करोगे लेकिन अगर आपके पास में नाइट्रोजन हेलोजन या ईथर जैसा कोई फंक्शनल ग्रुप आता है जो कभी सफिक्स में नहीं आता तो उसको आप बिल्कुल बॉयकॉट करोगे और अब आप नंबरिंग कुछ ऐसी करने की कोशिश करोगे कि इन्हें छोटा नंबर मिल जाए तो इसको बोलेंगे वन इसको बोलेंगे टू डेफिनेटली पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड होगा आप वन बोल के अगर आप इसको टू बोल दें तो ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा पहले और दूसरे डबल बॉन्ड में जो दोनों कार्बन है उन्हें हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहिए सबसे छोटा नंबर देना चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा हम इसे बोलेंगे फोर नाइट्रो फिर नाइट्रो के बाद लगाएंगे साइक्लो साइक्लो के बाद लगाएंगे हेक्स हेक्स के बाद लगाएंगे वन और वन के बाद लगाएंगे पूरा का पूरा इन फोर गाइस कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत चलिए ग्रेट चलो तो इतना करने के बाद अब हम लोग लास्ट टाइप के नॉमेन की तरफ चलने वाले दैट इज नॉमेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेनजीन कंपाउंड ठीक है तो हेडिंग डालेंगे नॉमेन of aromatic nomenclature of aromatic or we can say benzene or we can say benzene and substituted benzene benzene and substituted benzene and substituted benzene compounds substituted and benzene substituted कंपाउंड ठीक है सो नॉम क्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कि हम लोग बेनजीन और सब्सिट्यूटेड बेनजीन की बात करेंगे गाइज सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर वन देर इज नो स्पेसिफिक रूल देर इज नो स्पेसिफिक रूल्स देर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर नेमिंग फॉर नेमिंग फॉर नेमिंग द एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ नेमिंग द एरोमेटिक कंपाउंड फिर भी हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करेंगे जिसमें कि सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दकॉर्डिंग टू आई यूपीएससी दैट अकॉर्डिंग टू आई यूपीएससी सफिक्स बेनजीन सफिक्स बेन्जीन इज यूज इटिव ऑफ इट्स ओरिजिनल आई यू पी एस सी नेम ऑफ इट्स ओरिजिनल आई यू पी एस सी नेम आप लोग सब जानते हैं कि जो बेंजीन होता है बेंजीन का अगर आप आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर कभी करने जाओ तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का होता है जिसमें आप नंबरिंग अगर करेंगे तो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स हो जाएगा जो तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ट्राई तो इस नाम की जगह पर हमें आई ने बोला कि आप सफिक्स में केवल बेंजीन लिख दीजिए दैट विल बी इट सो देर फोर हम इस कंपाउंड को आजकल केवल और केवल बेंजीन लिखकर आगे चल चलते हैं केवल और केवल बेंजीन लिखकर हम लोग आगे चल देंगे ठीक है आगे बढ़े चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की सो फॉर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स फॉर मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन फॉर मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स अब देखिए मोनो सब्सिट्यूटेड बेंजीन्स के अंदर क्या होगा जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के ऊपर एक सी लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कुछ भी नहीं देखो बेंजीन रिंग है तो ये जो कार्बन होगा अभी हमारे लिए नंबर वन कार्बन हो जाएगा अब क्योंकि मोनो बेंजीन बेंजीन है है मतलब के ऊपर एक ही लगा हुआ है, तो हमें यहां पर नंबर मेंशन करने की कोई नीड नहीं हम बच गए हम बाल बाल बच गए तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम इस कंपाउंड को केवल बोलेंगे मिथाइल मिथाइल क्योंकि यह सब्सटीट्यूएंट है और यह सब्सिट्यूएंट है और यह नाम के पहले लगाया जाएगा और अब आप सफिक्स में रूट नेम वूट नेम कुछ नहीं लिखेंगे केवल बेनजीन लिखेंगे तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एस मिथाइल बेनजीन लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है जिसे हम लोग टॉलवीन कहते हैं तो आई ने इसको भी सर्टिफाई कर दिया है कि आप इस कंपाउंड को टॉलवीन भी बोल सकते हैं जो कि उसका कॉमन नेम है और आप मिथाइल बेनजीन भी बोल सकते हैं जो अगेन उसका कॉमन नेम है ठीक है अच्छा एक कंपाउंड आपको और दिखाया जाएगा मेरे द्वारा देखिए बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ओ है और यहां पर सी एच सी है अब इस कंपाउंड का नॉमन क्लेचर कैसे होगा ध्यान से अगर आप इस कंपाउंड को बहुत ध्यान से अगर आप इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को ये कंपाउंड दिखाई देगा एक ईथर फैमिली का मेंबर कैसे सर ईथर कैसे देखो एक मिथाइल ग्रुप इधर और देखो एक बेंजीन की रिंग इधर तो भाई एक आर ये हो गया एक आर ये हो गया और दोनों आरओ के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये आर ओ आर नहीं दिख रहा है आपको इट लुकिंग लाइक आर आर हाँ ओ सर ये तो आपकी बात मेरे को सही लग रही है यार ये ये तो तो आपने बिल्कुल सही बात बोल दी कि ये तो आपका ईथर है तो आपने ईथर का नॉमिन हमें सिखाया था कि आपको जो पेरेंट चेन या जो आपको पेरेंट कंपाउंड चूज करना है उसमें ज्यादा कार्बन होने चाहिए तो बेंजीन में ज्यादा कार्बन है तो ये पेरेंट हो जाएगा और ये फिर प्रीफिक्स में आ जाएगा तो एक कार्बन यानी मेथ और वाई एल हटाकर ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी और बेंजीन में यहां पर रूट नेम और सब्सिट्यूएंट रूट नेम और प्रीफिक्स वगैरह सब हटाकर केवल बेंजीन लिख दू तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन हाँ तो ये बात आपकी सही है दैट इज मेथॉक्सी बेंजीन लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मेथॉक्सी बेंजीन हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है आई ने इसके भी कॉमन नेम एनीसोल को सर्टिफाई कर रखा है कि आप इस कंपाउंड को केवल और केवल एनीसोल भी बोल सकते हैं आप इस कंपाउंड को केवल और केवल एनीसोल भी बोल सकते हैं ठीक है अच्छा अगला कंपाउंड ये देखिए आपका यहां पर बेंजीन का रिंग आ गया इसके ऊपर हमने लगा दिया एनएच टू अब यहां पर दो बातें हैं पहली बात मैं इसको बेंजामाइन भी बोल सकता हूं क्योंकि बेंजीन की रिंग है हमारी रूट नेम और उसके पीछे NH2 टू यानी आपका अमाइन ग्रुप तो कुछ लोग इसे बेंजा माइन बोलते हैं कुछ लोग इसे अमाइन ग्रुप का जो प्रीफिक्स नेम है अमीनो तो कुछ लोग इसे सिंपल अमीनो बेंजीन लिख देते हैं यानी बेंजीन को लिखने का तरीका क्या है कि बेंजीन हमेशा पीछे आएगा जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको आप प्रीफिक्स में लिख दीजिए राइट द प्रीफिक्स नेम राइट द प्रीफिक्स नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय फॉलोड बाय फॉलोड बाय बेंजीन फॉलोड बाय बेंजीन क्या ये बात समझ में आ रही है तो अब इसे अमीनो बेंजीन बोलेंगे आप इसे बेंजामाइन बोलेंगे तो वो एक्चुअली एकदम प्रॉपर समझ में नहीं आता कि यार बेंजामाइन लिखना चाहिए कि बेंजामाइन नहीं लिखना चाहिए तो कुछ लोग इसे आयु के हिसाब से अमीनो बेंजीन बोलेंगे लेकिन आई ने एक बात और बोल दी कि जब तुमको इतना कंफ्यूजन है कि इसको बेंजामाइन बोले कि इसको अमीनो बेंजीन बोले काम करो ना आप इसका जो कॉमन नेम मार्केट में चलता आ रहा है एनिलीन आप उसे वही बोल के आगे बढ़ जाओ आप इसे एनिलीन बोलकर ही आगे बढ़ जाओ और गाइज ये जो मैं आपको नाम सारे लिखवा रहा हूं ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़े अच्छा अब एक कंपाउंड ही आ जाता है देखिए और ये सारे के सारे नाम आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे जब हम लोग ज्यादा बड़े कंपाउंड की तरफ चलेंगे तब ये नाम इस्तेमाल होंगे अब देखो ये कंपाउंड अगेन वो ईथर फैमिली का मेंबर है यहां पर छह कार्बन की चेन है तो ये पेरेंट हो गया यहां पर दो कार्बन है यानी इथ वाई एल हटाकर ऑक्सीजन जोड़ दिया इथॉक्सी बेंजीन इसका आई नेम हो जाएगा लेकिन आप लोगों को फिर आयू ने बोला कि अरे पुष्पा इसको फेनेटॉल जो इसका कॉमन नेम है वो बोल रहे तो लोगों ने इसको फेनेटॉल बोलना स्टार्ट कर दिया इट विल बी कॉल्ड एज फेनेटॉल ना कि इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से नाम देंगे ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई परेशानी लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास में बेंजीन रिंग के ऊपर सी जुड़ गया है तब इसे क्या बोलेंगे इसको फॉर्माइल बेंजीन भी कुछ लोग बोलते हैं इसको आप फॉर्माइल बेंजीन भी लिख सकते हो बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्माइल बेंजीन लेकिन इसको मार्केट में बोला जाता है बेंजीन प्लस सिमिलरली तो अगर आपके पास में बेंजीन के ऊपर ओ OH एच आ जाए सो इसे या तो आप इसे बेंजेनॉल बोल दो बेंजेनॉल बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं या तो आप इसको बेंजेनॉल ऑल बोल दो या आप बेंजीन वन ऑल बोल दो या तो आप कुछ भी मत करो आप इसका कॉमन नेम याद रखो इसे मार्केट में फिनॉल के नाम से जाना जाता है इसे मार्केट में फिनॉल के नाम से जाना जाता है ठीक है सिमिलरली आपको मैं कंपाउंड और सिखाऊंगा यहां पर बेंजीन रिंग है यहां पर सी है यहां डबल बॉन्ड ओ है यहां पर सी एच थ्री है अब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटोफिन इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटोफिन याद रखने हैं ये सारे नेम मैं आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं लिखा रहा हूं ये सारे नेम शो ऑफ करने के लिए नहीं है है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा बेंजीन रिंग आ जाए फिर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए और फिर एक बेंजीन रिंग आ जाए तो अब इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बेंजोफेनॉन ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे नाम आपको जब तक याद नहीं होंगे मजा नहीं आएगा अच्छा देखो आप इसके नाम के आखिरी में ओ एन ई है क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है दिख रहा है सबको दिख रहा है सबको एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप आर ओ आर दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाली फैमिली ठीक है ये सारे के सारे रिंग्स के नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे ठीक है ये सारे मोनो सब्सिट्यूटेड कंपाउंड के नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है बस ओ एच अब इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का जुड़ जाना जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉपर नेमिंग का यहां पर मामला ही नहीं है ठीक है देखा इतना आप लोगों ने अच्छा एक कंपाउंड और करवाता हूं बेंजीन रिंग है उसके ऊपर यहां पर एनओ टू जुड़ जाए नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोजन का ग्रुप है बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोबेंजीन तो यार मोनो सब्सिट्यूटेड कंपाउंड के अंदर तो यही मामला रहेगा अच्छा और एक एग्जांपल देखो अब अब इसके अलावा अब आप आईयूपीएसी यूपीएससी के रूल्स लगा सकते हो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेंजीन के ऊपर एक चार कार्बन का साइक्लिक सब्सिट्यूएंट है दोनों में से ज्यादा कार्बन किसमें ऑब्वियसली बेंजीन में ज्यादा कार्बन है छह कार्बन होते हैं बेंजीन में इसमें चार है। तो ये हो हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा नाम साइक्लो ब्यूट और क्योंकि सब्सिट्यूएंट इसे ब्यूटाइल लिखेंगे साइक्लो ब्यूटाइल और रिंग कहीं की है बेंजीन तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल बेनजीन ठीक है कोई दिक्कत चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे हम लोग इसका बेंजीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल लिखेंगे दैट वेन अ बल्की ग्रुप वेन अ बल्की ग्रुप दैट इज मोर देन थ्री कार्बन दैट इज मोर देन थ्री कार्बन मोर देन थ्री कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप मोर देन थ्री कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप और a chain of carbon or a chain of carbon or a chain of carbon containing or a chain of carbon containing functional group is attached to benzene is attached to benzene then it becomes substituent then benzene becomes then benzene becomes substituent 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 it becomes substituent and written as and written as they were both important now written as phenyl and it is written as phenyl and it is रिटर्न एज फिनाइल इन द आपको इसको प्रिफिक्स में डालना पड़ेगा और इसके नाम को आपको बेंजीन की जगह फिनाइल लिखना पड़ेगा यानी बेंजीन के दो नाम अगर बेंजीन पेरेंट चेन है आई मीन पेरेंट रिंग है तो बेंजीन बेंजीन लिखाएगा लेकिन अगर बेंजीन पेरेंट चेन नहीं है बेटा और अगर उसको आपको सब्सिट्यूएंट मानना पड़ा बेटा तो बेंजीन का नाम अब आप लिखेंगे फिनाइल क्या नाम लिखेंगे फिनाइल देखिए कैसे चलिए मैं आपको बताता हूं मान लीजिए आपका बेंजीन का रिंग है ये बेंजीन के रिंग से यहां पर एक कार्बन अटैच है एक सी एच थ्री यहां अटैच है और एक सी एच थ्री यहां अटैच है जैसा मैंने आपसे कहा कि जब कार्बन के अंदर दो कर दो आप इसको दो से ज्यादा कार्बन अटैच हो तो आपके बेंजीन रिंग पर एक तीन कार्बन की चेन अटैच है तो पेरेंट किसको मानेंगे आप पेरेंट इसको मानेंगे और मैं यहां पर चेन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर चेन की बात कर रहा हूं साइक्लिक की बात नहीं कर रहा हूं साइक्लो में तो अभी आपने देखा कि साइक्लो में तो यही पेरेंट है अगर दोनों साइक्लिक हैं, तो ज्यादा कार्बन किस में वो मानना पड़ेगा जैसे एक एग्जाम्पल यहां समझो मान लो तुम्हारे पास में एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ यह आठ कार्बन की चेन है और ये बेंजीन से कनेक्टेड है तो अब यहां पर इस साइक्लिक रिंग में ज्यादा कार्बन है तो अब ये पेरेंट हो गया ये सब्सिटूएंट हो गया तो यहां पर हम इसे नाम देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पर हम इसे लिखेंगे one phenyle, मतलब अब आपका समझ में आ रही है बात आपको तो यहां वाले केस में तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है लेकिन जब आप नॉर्मल एक लंबी चेन एलिफेटिक कंपाउंड की बात करते हो तो अगर आपके बेंजीन के रिंग पर अगर आपके बेंजीन के रिंग पर एक सी एच थ्री अटैच है तो ये पेरेंट सिमिलरली अगर आपके बेंजीन के रिंग पर सीएच टू और सी एच थ्री अटैच है तो आप इसका नाम लिखेंगे इथाइल बेंजीन यानी यहां पर भी आपका जो बेंजीन है वही पेरेंट बनेगा आपका जो बेंजीन है वही पेरेंट बनेगा और यह सब्सिटूए बन जाएगा लेकिन जैसे ही तीन कार्बन या उससे ज्यादा हुए पेरेंट बदल जाएगा अब आपका ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा और तीन, तीन कार्बन की चेन है दूसरे कार्बन पर ये बेंजीन की रिंग अटैच्ड है एज अ सब्सटीटूएंट तो अब यहां पर आप इसे क्या यूज कर रहे हैं एज अ अब्सिटूएंट और बेंजीन का सब्सटीटूएंट वाला नेम क्या है फिनाइल तो हम यहां लिखेंगे टू क्योंकि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर फिनाइल अटैच्ड है सो दैट विल बी टू फिनाइल प्रोपेन इट विल बी टू फिनाइल प्रोपेन इसे नाम दिया जाएगा टू फिनाइल प्रोपेन समझ में आई आप लोगों को समझ में आई आप लोगों को टू फिनाइल प्रोपेन अच्छा इसका कॉमन नेम याद रखिएगा इसका कॉमन नेम होता है क्यूमिन इसे भी मार्केट में क्यूमिन के नाम से जाना जाता है ठीक है अच्छा एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका जिसे मान लीजिए आपके पास में बेंजीन की रिंग अटैच्ड है यहां पर सी एच आ गया यहां सी ओ एच आ गया यहां पर सी एच थ्री आ गया बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड तीन कार्बन की चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप है इसलिए यही हम लोगों के लिए पेरेंट हो जाएगा यहां पर सी ओ एच होना मतलब ये पेरेंट है तीन कार्बन की चेन है सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर फिनाइल है तो नाम लिखा जाएगा टू फिनाइल तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन वन ओइक एसिड या सिंपल प्रोपेन एसिड भी लिख सकते हैं टू फिनाइल प्रोपेन वन ओइक एसिड या सिंपल फिनाइल प्रोपेन एसिड अब यहां पर मुझे एक बात बताइए मान लीजिए यहां पर आपके पास में इस प्रकार एक बेंजीन की रिंग है ये सी टू से कनेक्टेड है और ये आपके पास में एक बेंजीन की रिंग है मान लू मैं आपको जो जेई वेई का पेपर आता है ना नीट वीट का ये इसको कैसे सिंबलाइज करते पता है यहां लिख देते दे, पी एच पीएच और जो एडवांस एडवांस वाले जो लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं वो बच्चों को इस सिंबल से डराते हैं उनको लगता है पता नहीं क्या ही बना दिया हमने तो ये जो ये जो सिंबल है ना ये या ये पी एच ये बेंजीन को बताता है ये तीनों सेम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है अब यहां पर देखो अगर मैं इस बेंजीन को पेरेंट मानूंगा तो ये सबसे बन जाएगा और अगर इसको बेंजीन मानूंगा तो ये बन जाएगा मतलब एक शादी हो रही है उसमें जीजा भी है और फूफा भी है दोनों घर के जमाई है जीजा फूफा दोनों घर के दामाद हैं जीजा फूफा दोनों को हमने हमारे घर की बेटियां दी है तुम्हारे पापा ने अपनी बहन दी है तुम्हारे फूफा को और तुमने अपनी बहन दी है तुम्हारे जीजा को शादी करवाई है उनसे तो भाई तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चूज कर सकते हो दोनों की इज्जत सेम है दोनों को बराबरी से मंचूरियन खिलाना पड़ेगा दारू पिलानी पड़ेगी पान खिलाना पड़ेगा वरना नाराज हो गए भागने लगेंगे लोग घर छोड़ छोड़ के भागते हैं ये लोग मालूम है ना तुमको तो फिर अब क्या करें सर ऐसी कंडीशन में तो बड़ा रिस्की मामला है तो फिर ऐसी कंडीशन में दोनों को ही छोड़ दो ससुरों को दोनों को लात मारो दोनों ही यहां पर क्या हो जाएगा बोथ ऑफ देम विल बिकम नाउ इन दिस केस दैट वेन टू रिंग्स आर प्रेजेंट एट इक्विड डिस्टेंस एट इक्विड डिस्टेंस बोथ विल बिकम बोथ विल बिकम सब्डूएंट बोल बोथ विल बिकम दब्सटीटूएंट दोनों क्या बन जाएंगे दोनों के दोनों सब्सिट्यूएंट बन जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को इसको, इसको दोनों का अवॉइड करना है अब आपका पेरेंट ये हो जाएगा तो ये और ये दोनों सब्सिट्यूएंट होगा तो यहां पर लिखेंगे डाय क्योंकि दो है बेंजीन का नाम क्या हो जाएगा फिनाइल डाय फिनाइल मिथेन एक कार्बन है ना इसलिए मिथेन डाय मीथेन इट विल बी कॉल्ड एज डाय फिनाइल मीथेन। क्या चीज क्लियर हो गई क्या चीज क्लियर हो गई अच्छा यहां पर मान लीजिए दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गए तो अब मान लो यहां पर बीच में कुछ भी नहीं है बस दोनों बेंजीन की रिंग है तो यहां पर वर्ड डाय यूज नहीं होगा डाय हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है डाय यूज होगा प्रीफिक्स में तो प्रीफिक्स नेम ना यूज करते हम यहां पर लिखेंगे बाय भाई बाय का मतलब भी टू होता है तो ये डाई फिनाइल की जगह इसका नाम हो जाएगा बायफिनाइल क्योंकि यहां पर सब्सटीट्यूंट नहीं है ना इसे नाम में बदलाव तो आना बनता है समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर डाई बेंजीन बेंजीन यानी अब आपके के ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो अटैचमेंट है तो देखो सीधी सी बात है जैसे मान लो तुम्हारा बेंजीन का रिंग है यहां पर एक क्लोरीन है यहां पर एक क्लोरीन है फिर तुम्हारा एक बेंजीन का रिंग है बेनजीन से यहां पर एक क्लोरीन है यहां पर एक क्लोरीन है यहां पर मान लीजिए आपका एक बेंजीन है यहां पर एक क्लोरीन है यहां पर एक क्लोरीन अब एक बात समझना यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को क्योंकि अब नंबरिंग इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर आपके पास में एक से ज्यादा टाइप के सब्सिटूंट है तो यहां पर ध्यान रखिएगा नंबरिंग शुड बी डन नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट नंबर रूल लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से तो यहां पर या तो इसको वन बोल लो तो इसको टू बोल लो या इसको वन बोल के इसको टू बोलो अब नाम कैसे लिखेंगे वो बाकी सब तरीका सही है वन कॉमा टू डाय क्लोरोन यहां पर क्या हो जाएगा इट विल बिकम वन टू थ्री ये फोर फाइव सिक्स इसका नाम हो जाएगा वन कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री डाय क्लोरो बेनजीन इटविल बिकम वन कॉमा थ्री डायक्लोरोबेंजीन एंड यहां पर या तो इसको वन बोल लो तो ये पोजीशन टू थ्री तो ये फोर हो जाएगी या इसको वन बोल लोगे तो ये टू थ्री फोर हो जाएगी बात एक ही है अपोजिट डायरेक्शन में तो वन कॉमा फोर डायक्लोरोजीन डायक्लोरोजीन अच्छा एक बात और ध्यान रखना इन ट्राइवियल सिस्टम इन ट्राइवियल सिस्टम अगर आप ट्राइवियल सिस्टम की बात करें तो अगर आपके बेंजीन के पहले और दूसरे कार्बन पर अगर कोई सब्सटीट्यूटेड है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो दैट इज कॉल्ड ऑर्थो यानी अगर पहले और दूसरे कार्बन पर अगर कोई चीज जुड़ी हुई है तो हम उन्हें ही बोल देंगे ऑर्थो सिमिलरली ट्राइवियल सिस्टम में अगर पहले और तीसरे कार्बन पर सब्सिट्यूएंट है तो हम उसे नाम दे देंगे मेटा दैट पोजिशन इज कॉल्ड एज मेटा डाइक्लोरो मेटा डाइक्लोरो पहले और चौथे बिल्कुल आमने सामने है, तो हम उसे नाम देंगे पेरा बेंजीन और ऑर्थो, ऑर्थोमेटा पैरा सेम सब्सिट्यूएंट के लिए यूज होगा मतलब अगर ये दोनों अपोजिट हो गए या एक सी एच थ्री हो गया और एक ओ OH हो गया तो फिर आप ऑर्थो लगा नहीं पाओगे अगर दोनों सेम टाइप के तो ही यूज होगा अदरवाइज आपको आईयूपीएसी यू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है कोई तकलीफ कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की चीज क्लियर हुई अच्छा अब यहां पर एक एग्जाम्पल करके बताते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक बेंजीन की रिंग है यहाँ पर ओ जुड़ा हुआ है यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है अब यहां पर किसको नंबरिंग करेंगे अब पर IUPAC बोलता है, देखो मेरी बात समझना IUPAC पी बोलता है टेक्निकली यहां पर एक मिथाइल और एक हाइड्रोक्सी कहलाना चाहिए पर कैसा बेकार लगेगा कि एक फंक्शनल ग्रुप को तुम उस नाम से लिख रहे हो प्रीफिक्स वाले नाम से तो आयु ने बोला कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर बेंजीन के ऊपर ओ OH लग जाए इसको भूल जाओ तो ये फिनॉल है और अगर बेंजीन के ऊपर सी एच लग जाए तो ये टॉलवीन है दोनों के कॉमन नेम हमारे पास में है तो ये रिंग या तो आपकी टॉलवीन भी कहला सकती है या फिनॉल भी कहला सकती है आप किसको प्रिविलेज दोगे हम फंक्शनल ग्रुप को प्रिविलेज देंगे तो हमारे लिए ये नंबर वन हो गया अब अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट नंबर रूल ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया ये फाइव हो गया और ये सिक्स हो गया तो अब इस कंपाउंड को तो हम लोग नाम क्या देंगे हम बोलेंगे तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये वाली जो रिंग है ये बेंजीन नहीं अब ये फिनॉल की रिंग है तो आई ने जैसा मैंने आपसे कहा था इसे नाम देना अलाउ कर दिया है तो हम इसे अलाउ कर सकते हैं ठीक है ठीके? मान लीजिए आपके पास में अब बेंजीन रिंग है आपके सी एच थ्री अटैच है यहां पर आपके एन ओ टू अटैच है अब यहां पर आप क्या करोगे अब यहां पर देखा जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप है बट प्रीफिक्स प्रीफिक्स में में आता है। है, में आता है 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 ये ये फंक्शनल ग्रुप भी तो क्या करें तो आप एक काम करो अब एल्फाबेटिकल रूल लगा दो ये नंबर वन दे दो इसको इसको नंबर टू दे दो इसको नंबर थ्री दे दो तो इसका नाम हो जाएगा थ्री नाइट्रो लेकिन ये रिंग के ऊपर सी एच थ्री क्या कहलाता है टोलविन तो इसका नाम हो जाएगा थ्री नाइट्रोटोलविन इसको थ्री नाइट्रोटोलविन बोलेंगे या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो वन मिथाइल थ्री नाइट्रोबेजीन आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो दोनों नाम इसके बिल्कुल सही रहेंगे कोई तकलीफ की कोई परेशानी की बात यहां पर कहीं से कहीं तक नहीं आएगी ठीक है कोई परेशानी इसके अंदर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉली सब्सिट्यूटेड बेंजीन की तरफ चलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ चलते हैं अब पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में पहली बात ध्यान रखना फर्स्ट बात ध्यान रखना दैट द पेरेंट द पेरेंट रिंग जो आपकी पेरेंट रिंग है भाई पेरेंट रिंग तो बेंजीन हो सकती है पेरेंट रिंग तो बेस अपनी द पेरेंट रिंग क्या मैं कहूं द बेस कंपाउंड पेरेंट रिंग और द बेस कंपाउंड और द बेस कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट बेस कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट विल गेट नंबर वन फॉलोड बाय फॉलोड बाय नंबरिंग groups, followed फॉलोड बाय नंबरिंग other ग्रुप ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द lowest सम रूल अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट सम रूल सर क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आपके पास में एक बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर यहां पर एक ओएच OH जुड़ा हुआ है यहां पर एक सी थ्री है और यहां पर एक एनओ टू है अब यहां पर आप इस कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करेंगे यहां पर अब आप इस कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करेंगे सोचिए अब यहां पर नंबरिंग अगर मैं लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से सोचूं, तो आप यहां पर दो गेम खेल सकते हो आप इसे वन बोल दो इसे टू बोल दो और इसे फोर बोल दो तो ये हो जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन या तो आप इसे वन बोल दो इसे थ्री बोल दो और इसे फोर बोल दो तो ये हो जाएगा एट तो टेक्निकली तो ये सही है मतलब टेक्निकली एनओ टू वन होना चाहिए ये टू होना चाहिए और ये फोर होना चाहिए बट हम इसे यूज ही नहीं करेंगे हम यूज तो इसको ही करेंगे क्यों क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ओ एच सब आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें प्रिफरेंस में भी फॉलो ज्यादा होता है भाई अगर आपके पास में मिथाइल है तो इसकी तो कोई औकात नहीं सब्सिटूं है ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है में इसकी भी कोई नहीं, ये भी कोई नहीं में आएगा लेकिन ओएच तो एक मोस्ट फॉलोएबल फंक्शनल ग्रुप है तो अगर आपके बेंजीन के रिंग पर ओएच जुड़ेगा तो ये रिंग तो फिनॉल की रिंग बन गई हाँ मैं ये जानता हूं कि ये रिंग में अगर मैं इन दोनों को अवॉइड करूं तो ये टॉलवीन है और अगर मैं इन दोनों को अवॉइड कर दूं तो ये नाइट्रोबेजीन है लेकिन इन तीनों में ज्यादा प्रीफरेंस किसकी अकॉर्डिंग टू द प्रिफरेंस रूल जो हमने फंक्शनल रूप में पढ़ा था ओएच OH एच को ज्यादा प्रीफरेंस देनी पड़ेगी मुझे तो इसीलिए मैं इस रिंग को इस प्रकार ही नंबरिंग कर पाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए तो जो मेरा बेस कंपाउंड है यहां पर मेरा बेस कंपाउंड कौन हो गया फिनॉल फिनॉल विल बिकम माई बेस कंपाउंड तो जब मेरा बेस कंपाउंड फिनॉल है तो उसको नंबर वन देना है अब उसके बाद आप लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से नंबरिंग कर दो अगर मैं यहां की जगह इसको वन बोल के इसको टू बोलता इसको थ्री बोलता इसको फोर बोलता इसको फाइव बोलता तो फाइव प्लस फोर हो जाता है नाइन और अभी फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन तो अभी ये छोटा है इसलिए हम लोग जो नंबरिंग कर रहे हैं इसीलिए अभी हम लोग जो नंबरिंग कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज नाम क्या लिखेंगे बाई थ्री मिथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आ रहा है फिर हम लोग लिखेंगे फोर नाइट्रो क्योंकि अल्फाबेटिकली नाइट्रो एम के बाद आएगा और यहां पर फिर लिखा जाएगा फिनॉल तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा थ्री मिथाइल फोर नाइट्रो फिनॉल क्या ये बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट है ना मांडी लीजिए के पास में ये कंपाउंड आ गया यहां पर मैंने लगा दिया NH2 यहां पर मैंने जोड़ दिया ये और यहां पर मैंने जोड़ दिया ये अब इस कंपाउंड का क्या नाम होगा भाई ये इथाइल है ये सब्सिटूएंटल तो हो गया एनिलिन बेंजीन के ऊपर इज योर एनिलिन जब आप बेंजीन के ऊपर रखते हैं तो इट विल बिकम योर एनिलिन तो ये डेफिनेटली वन होगा ये टू होगा ये थ्री होगा ये फोर होगा इस हिसाब से नंबरिंग करूंगा आप नाम क्या लिखूंगा इथाइल कम्स फर्स्ट सो इट विल बी कॉल्ड एज फोर इथाइल टू मिथाइल एनीलिन समझ मारी बात प्यारे बच्चों एनी प्रॉब्लम इन हम्म कोई दिक्कत देख लो जरा अब एक कंपाउंड और देखो ये बेंजीन की रिंग है यहां पर ब्रोमिन जुड़ा है यहां पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है और यहां पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है अब यहां नंबरिंग कैसे करेंगे अब देखो यहां पर जो दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं दोनों के दोनों हमेशा प्रिफिक्स में आते हैं आपका नाइट्रो भी, भी प्रिफिक्स में आता है और आपका ब्रोमिन भी प्रिफिक्स में आता है सर अब नंबरिंग कैसे करेंगे अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम एल्फाबेटिकल चल सकते हैं अगर मैं अल्फाबेटिकल चलूं तो मैं इसको वन नंबर दूंगा इसको मैं टू नंबर दूंगा इसको मैं थ्री दूंगा इसको फोर दूंगा इसको फाइव दूंगा और इसको सिक्स दूंगा और अब मैं लोवेस्ट सम रूल भी चेक कर लेता हूं वन प्लस टू प्लस फोर यानी कि सेवन अब अगर मान लो मैं एक बार लोवेस्ट सम रूल अपोजिट लगा के चेक करूं अगर मैं इसको वन बोल दू इसको टू बोल दू इसको थ्री बोल दू और इसको फोर बोल दू तो अब क्या हुआ तुम्हारे ब्रोमिन को मिल गया यहां पर फोर तुम्हारे नाइट्रो को मिल गया टू और तुम्हारे इसको मिल गया वन फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन तो देखो दोनों तरह से नंबरिंग सेम आ रही है वन प्लस नहीं वन टू थ्री और फोर तो वन प्लस थ्री प्लस फोर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एट तो यहां तो लोवेस्ट नंबर रूल भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है यानी यही हम लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं तो लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से हम यहां से नंबरिंग चाह के भी नहीं कर सकते सो so हमारी नंबरिंग बिल्कुल सही रहेगी हमने जो नंबरिंग करी है वो अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल भी है अच्छा सर यहां पर आपने अल्फाबेटिकल नाम क्यों लिया अभी तक तो आप नहीं ले रहे थे क्योंकि बेटा यहां पर देखो ना कि ये जो तीन फंक्शनल ग्रुप लगे हैं क्या इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है जिसे हम प्रायोरिटी देते हो जिसे हमने आज तक प्रायोरिटी दी हो नहीं तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप ग्रुपिक्स में आने वाले मतलब टेक्निकली सब्सिट्यूटेड है इनको सब्सिट्यूशन में लिखना है प्रीफिक्स में तो हमको इसमें टेंशन ही नहीं लेनी है अब जब तीन सब्सिट्यूएंट है तो बस लोएस्ट नंबर रूल लगाओ एल्फाबेटिकल चलो तो नाम लिखेंगे हम इसका वन ब्रोमो क्योंकि एल्फाबेटिकल ही पहले आता है फिर टू कॉमा फोर डायनाइट्रो बेनजीन डायनाइट्रो बेंजीन एल्फाबेटिकल नाम लिखना पड़ेगा वन ब्रोमो टू डायनाइट्रो बेंजीन समझ में रही बात अच्छा एक कंपाउंड का नाम फिर इससे मिलता जुलता ही लिख लेते हैं आप देखो इसमें आप नॉमिन कर पा रहे हो क्या ये मैं एनओ टू कर देता हूं यहां पर मैं बी आर कर देता हूं और यहां पर मैं सी एच थ्री कर देता हूं अब बताओ इसका नॉमिन क्लेचर कैसे करोगे भाई सबको समझ में आ रहा है इतनी अक्कल सब में है कि अगर आप इसे वन बोलोगे इसे थ्री बोलोगे इसे फोर बोलोगे तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस वन एट हो जाएगा ये तो जो कि बड़ा नंबर है लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग दूंगा तो ये सेवन होगा सर आपने यहां से नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्यों नहीं करी जरूरत भी नहीं है जरूरत ही नहीं है अल्फाबेटिकल रूल उठाने की जरूरत ही नहीं है हमको तो लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना है वी जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो द लोएस्ट नंबर रूल व टू फॉलो द लोवेस्ट सम रूल डोंट गो फॉर डोंट गो फॉर किसके लिए नहीं जाना है हमको एल्फाबेटिकल डोंट गो फॉर द एल्फाबेटिकल रूल ठीक है अच्छा और यह कब फॉलो होगा यह फॉलो होगा ओनली वेन देयर इज नो प्रोबेबिलिटी वेन देर इज नो प्रोबेबिलिटी वेन देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस कंपाउंड जो आपको मैंने बेस कंपाउंड सिखाया ना अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ना हो लेकिन तो तो base compound की probability भी है गारंटीड नंबर वन आना चाहिए समझ मार लेकिन अगर मान लो इसकी जगह पर यहां पर सी एच थ्री ही होता यहां पर बी आर ही होता लेकिन यहां पर ओ OH एच आ जाता है तब क्योंकि देखो सी एस थ्री बी आर और एन ओ टू तीनों ऐसे जो नाम के पहले लिखे जाते हैं ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी नाम के पहले आते हैं तो नाम के पहले आने वालों की कोई इज्जत नहीं फिर उस केस में आप या तो बेस कंपाउंड ढूंढो या लोएस्ट सम रूल लगाओ तो यहां पर मेरा टॉलवीन बेस कंपाउंड है और लोएस्ट सम रूल के हिसाब से भी इसे वन मिल रहा है तो ये हर कंडीशन में फिट बैठ रहा है इसलिए हम इस कंपाउंड को नाम देंगे टू ब्रोमो टू ब्रोमो फिर हम लिखेंगे वन नहीं मिथाइल टू प्रोमो फोर नाइट्रोटॉलवीन है ना लेकिन यहां पर मुझे इसको नंबर वन देना पड़ेगा अब मुझे यहां पर यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन केस ऑफ बेस कंपाउंड लोवेस्ट सम रूल गया तेल लेने मैं आपको यहां पर ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि इन केस ऑफ बेस कंपाउंड उसके जो सब्सिटूएंट होगा उसको नंबर वन देना है उसके बाद तुम लोवेस्ट नंबर रूल लगाते रहो तो लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर तो भैया यही वन होगा ये थ्री ये फोर हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो और यहां पर सर ये टॉलविन भी तो हो सकता था आपने इसको फिनॉल ही क्यों चूज करा क्योंकि बेटा फिनॉल एक प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रिफरेंस, प्रिफरेंस में रहेगा तो फोर आ, थ्री ब्रोमो थ्री ब्रोमो फोर मिथाइल फिनॉल ठीक है समझ गए चलिए तो विद दिस हम लोगों का यहां पर जो पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप वाला सिस्टम है वो खत्म होता है ठीक है गाइस कोई परेशानी इसके अंदर चलिए तो अब हमारा आई यूपीएससी नॉमिन क्लेचर वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जब हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स की और अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स की जैसे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जुगेशन और ये चैप्टर खत्म मतलब एक वीडियो और बनेगा जो मोस्ट प्रोबेबली अभी क्या हो है? आज है ट्यूजडे मतलब आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो होगा देन वेडनसडे फ्राइडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे आई विल बी शूटिंग फॉर क्लास ट्वेल्थ उनका वीडियो में डालूंगा सैटरडे संडे के आसपास देन उसके बीच में आपका मतलब अब आपका वीडियो आप मान चलिए नेक्स्ट वीक आपको मंडे या ट्यूजडे मिलेगा ठीक है चलिए तब तक के लिए बाई इसको अच्छे तरीके से पढ़िए टेक केयर सी इन द नेक्स्ट लेक्चर